सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। कोई आखिरी ख्वाहिश? ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काउंटडाउन शुरू। क्या ऋतिक सही चॉइस थे वेदा के रोल के लिए? क्यों फिल्म की कास्टिंग को माना जा रहा है मिसफिट? क्यों लिया गया है ऐसा कास्टिंग को लेकर ऐसा फैसला? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियो और मैं हूं अंकिता। ऋतिक की अपकमिंग फिल्म विक्रम वेदा का बज ऑलरेडी बॉलीवुड में छाया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर 3 साल बाद ऋतिक बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं, और वो भी सैफ अली खान के साथ। पर इसके अलावा भी कई कारण हैं जिसके कारण फिल्म में बज में है। दरअसल विक्रम वेदा तमिल फिल्म विक्रम वेदा की रिमेक है, और फिल्म में वेदा का रोल प्ले किया था इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर विजय सेतुपति ने। एक ऐसा क्रिमिनल जो लोगों की जान लेता है, और वो भी हंसा हंसा के। कॉमेडी प्लस एविल जीनियस एक डिडली कॉम्बिनेशन वाला कैरेक्टर है जिससे विजय सेतुपति ने बाखूबी निभाया था। पर क्या ऋतिक इस रोल के लिए सही थे? ऋतिक को एक नेगेटिव रोल में देखना काफी एक्साइटिंग साउंड करता है, पर कॉमेडी इस रोल में तो ऋतिक को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। जितना ही ज्यादा ये रोल न्यू है ऋतिक के लिए, उतना ही ऑडियंस के लिए भी ऋतिक को इस रोल में देखना नामुमकिन ही है। हालांकि ऋतिक ने पहले भी अपने एक्टिंग से सबको चौंकाना दे दिया है, जैसा कि सुपर 30 में एक बिहारी मैथमेटिशियन के रोल से, और ऋतिक की पर्सनालिटी एक एविल जीनियस की रोल को तो कॉम्प्लीमेंट करती है, जैसा कि धूम में उन्होंने किया था। पर एक कॉमिक एविल, ये थोड़ा तो डाउट करने का चीज है। वहीं दूसरी तरफ सैफ अली खान कॉमेडी और एविल जीनियस दोनों के ही रोल परफेक्टली पहले ही निभा चुके हैं, जैसा कि आपने देखा है तानाजी, ओमकारा और लाल कप्तान में देखने की चीज गई है। इन फिल्मों में उनका नेगेटिव रोल काफी आइकॉनिक माना गया था। पर बात करें अगर सैफ अली खान की पुलिस इंस्पेक्टर की रोल की, तो हम स्केर्ड गेम्स में इसकी झलक देख ही चुके हैं, जो कि किसी भी तरह से इम्प्रेसिंग तो नहीं लगी थी। ऐसे में ऑडियंस घनचक्कर जैसा महसूस कर रहे हैं। सैफ को फिर से पुलिस इंस्पेक्टर का रोल में देखना और ऋतिक का एक एविल जीनियस कॉमिक रोल का ऑडियंस हजम नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है मेकर्स ने फिल्म के लिए कुछ नई बनाई है, और कास्टिंग के लिए भी उन्होंने एक्टर्स के तरीके से पार किया है। अब ये कास्टिंग साबित होगी मिसफिट, और क्या वो ऑडियंस को कर पाएगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। इसके लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। क्या है ऋतिक और आमिर की फिल्म का गठबंधन का राज? क्यों हुआ है ये गठबंधन? क्यों फिल्म का बजट हुआ है हाई? तो दोस्तों, आपने पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी दो फिल्मों का गठबंधन सुना है? नहीं ना, तो आज सुन लीजिए। ये न्यू टैक्टिक है पुष्कर गायत्री की अपकमिंग फिल्म को लेकर के। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा की गठबंधन कर ली है, वो भी लाल सिंह चड्ढा के साथ। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। पर क्या है ये गठबंधन? तो आपको बता दें कि खबरें ऐसी आ रही हैं कि ऋतिक रोशन स्टार्टअप फिल्म विक्रम वेदा अपना टीजर 9 से 10 अगस्त को सिनेमा घरों में करने वाली है, और वहीं दूसरी तरफ लाल सिंह चड्ढा भी 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। खबरों की माने तो ये फैसला दोनों ने ही काफी सोच समझ कर रखा है। पैंडेमिक के बाद ऑडियंस ने अपना रुख ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ कर लिया है। अब आप ही सोचिए ना, घर के कंफर्ट से निकलकर तैयार होकर ट्रैफिक से जूझते हुए एक ही सीट पर एक ही फिल्म को 3 घंटा देना, वो भी जब आपको पता है कि फिल्म घर बैठे भी आप देख सकते हैं। आप किसे चुनेंगे, सिनेमा घर या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स?
और जब पूरे 3 साल बाद आमिर और ऋतिक दोनों की ही फिल्म में एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आ रही है तो मेकर्स कोई भी टैक्टिक अपनाने से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। उनका मानना है कि आमिर की लाल सिंह चड्ढा ऑडियंस को सिनेमा घरों तक लाएगी और विक्रम वेधा का प्रमोशन भी साथ में हो जाएगा। और दूसरा रीजन ये भी है कि ऋतिक के लिए जून से लेकर सेप्टेम्बर का मंथ आज तक का उनका काफ़ी लकी मंथ साबित रहा है। फिल्म 30 सितंबर को रिलीज होने की तैयारी में है, इसलिए वो जल्द से जल्द ही इसका प्रमोशन के काम को खत्म करना चाहते हैं। फिल्म में ऋतिक के साथ सैफ अली खान भी हैं। ये फिल्म तमिल फिल्म विक्रम वेधा की रीमेक है जो कि 2017 में आई थी। फिल्म में सीमित ऑडियंस हुए थे लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म ने मोटी कमाई की थी। फिल्म कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी बावजूद इसके कि ये फिल्म हिंदी में नहीं थी। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर इसे हिंदी सिनेमा का भी साथ मिल जाए तो हिंदी की ऑडियंस भी इसे देखेगी और इसे कमर्शियल सक्सेस कितना ह्यूज होगा। शायद यही सोचा होगा मेकर्स ने भी, तभी उन्होंने फिल्म की मेकिंग को लेकर के कोई भी कंजूसी नहीं की है। फिल्म का बजट अब तक 175 करोड़ जा चुका है। शायद मेकर्स को फिल्म की सक्सेस पर काफ़ी ज़्यादा ही भरोसा है। उनका भरोसा अब टूटेगा या सच साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपने दोस्तों में हमारे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। ऋतिक की विक्रम वेधा में उनका लुक होगा सबसे हटके? क्या दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहे ऋतिक रोशन? कौन है उनकी गर्लफ्रेंड? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, सुपरस्टार ऋतिक रोशन पिछले काफ़ी टाइम से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में है। वो इन दिनों एक्ट्रेस सबा आज़ाद को डेट कर रहे हैं। दोनों को कई बार एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया। अब इसी बीच खबर सामने आ रही है कि ऋतिक जल्द ही दूल्हा बनने जा रहे हैं। वो जल्द ही सबा के साथ शादी के बंधन में बनेंगे। लेकिन इन सब खबरों पर अब तक कपल और उनके परिवार ने कुछ भी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक और सबा एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो शादी को लेकर कोई जल्दबाजी अभी नहीं करना चाहते। दोनों हैप्पी रिलेशनशिप में हैं और अभी एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे हैं। वो सभी सोच रहे हैं कि क्या वो शादी करना चाहते हैं, यानी फैंस को ऋतिक को दूसरी बार दूल्हा बनने का इंतज़ार और भी करना पड़ेगा। इससे पहले ऋतिक रोशन ने साल 2000 में डिज़ाइनर सुजैन खान के साथ शादी की थी, लेकिन कपल का ये रिश्ता टिक ना पाया और 2014 में ये दोनों अलग हो गए। ऋतिक से तलाक के बाद सुजैन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। वो इन दिनों अरसलान गोनी को डेट कर रही हैं। तो वहीं ऋतिक सबा आज़ाद के प्यार में है। सबा का भी रोशन फैमिली के साथ काफ़ी अटैचमेंट है। उन्हें कई बार ऋतिक के परिवार के साथ समय बिताते हुए देखा गया है। तो दोस्तों, विक्रम वेधा में नज़र आएंगे अब ऋतिक रोशन। अपने लव लाइफ के अलावा वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। क्रिश 4 और विक्रम वेधा जैसी फिल्मों में नज़र आएंगे। विक्रम वेधा में उनका लुक एकदम हटके, एकदम अलग होने वाला है। बियर्ड होने वाले हैं, बॉडी एकदम टोन्ड और बल्की दिखने वाली है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतज़ार है विक्रम वेधा का? क्या आप चाहते हैं कि ऋतिक दोबारा दूल्हा बने? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। बन रही है एक बार फिर से विक्रम वेधा और क्या नया होने वाला है इस बार फिल्म में, और साथ ही साथ क्या ऑडियंस देखने पहुंचेगी इस फिल्म को थिएटर्स में? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हम आज के अपनी इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। देखिए, क्यों बन रही है, किस लिए बन रही है, कैसे बन रही है, सवाल तो है ढेर सारे, लेकिन जवाब है मेरे पास और जवाब बड़ा सिंपल है। पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर। जी हाँ, देखिए, विक्रम वेधा एक काफी अच्छी तमिल फिल्म रही। इस फिल्म ने काफी ज्यादा दर्शकों को लुभाया और मनोरंजन भी दिया। दरअसल इसे एक क्लासिक कल्ट के तौर पे देखा जाता है।
इस फिल्म ने अपने लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद और काफी कन्फाइंड ऑडियंस होने के बावजूद बेजोड़ कमाई की थी। देखिए फिल्म अपने आप में काफी ज्यादा खास थी क्योंकि इसकी टिपिकल स्टोरी लाइन नहीं थी जहां अच्छाई की जीत दिखा दी जाती है या फिर लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर जैसा कॉन्सेप्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट फिल्म की स्टोरी लाइन आपको सोचने पर मजबूर करती है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी कर देती है। जी हाँ, एक्चुअली फिल्म का म्यूजिक और फिल्म की स्टारकास्ट की लाजवाब एक्टिंग आप लोगों को गूजबम्प देने के लिए काफी थी। दरअसल इस फिल्म का जब ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म का म्यूजिक, इस फिल्म की स्टोरी लाइन और इस फिल्म की स्टारकास्ट को देखकर ये फिल्म को कह सकते हैं कि ये एक जबरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाली फिल्म थी। देखिए फिल्म में आर माधवन को एक खड़ूस ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रोल में देखा गया था, वहीं विजय सेतुपति को एक ऐसे रोल में देखा गया था जहां वो होते हैं एक ईविल माइंडेड क्रिमिनल जो हंसा हंसा कर लोगों को मारते हैं। जी हाँ, दोनों ही अपने किरदारों में बहुत फिट बैठे थे। दोनों ही एक्टर्स ने ना सिर्फ अपने रोल को बल्कि एक दूसरे को भी काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया था, तभी तो फिल्म का एक्सपीरियंस रहा अनमैच्ड और फैबुलस। अब आप लोग एक काम कीजिए, इमेजिन कीजिए ऋतिक रोशन को विजय सेतुपति वाले कैरेक्टर में, लग रहा है ना थोड़ा सा अटपटा। अब इमेजिनेशन कर ही रहे हैं तो लगे हाथ सैफ अली खान को भी आर माधवन वाले सीरियस पुलिस ऑफिसर के तौर पे इमेजिन कर लीजिए। जी हाँ, वैसे ही कोई कैरेक्टर जैसा सैफ ने निभाया था सैक्रेड गेम्स में। नहीं, ये लग तो आपको भी रहा होगा अटपटा, इसी को लेकर उनके फैंस भी है काफी नर्वस। जी हाँ, कैरेक्टर्स का ये मिसफिट थोड़ा कम ही हजम हो रहा है। अब सोचिए जरा, अगर ऋतिक रोशन के ऑपोजिट हमें सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए सैफ अली खान तो कैसा लगेगा। दरअसल ये बात तो सच है कि ऋतिक रोशन की पर्सनालिटी के सामने सैफ की पर्सनालिटी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं ओरिजिनल विक्रम वेधा की तो उसमें आर माधवन एक पोटेंशियल दमदार कॉम्पिटिटर के तौर पे नजर आए थे विजय सेतुपति के सामने। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, उन दोनों का एक लेवल था, उन दोनों का एक कॉम्पिटिशन था। लेकिन ऋतिक और सैफ, खैर सच कहूं तो मुझे ये फिल्म सिर्फ कमाई मात्र का जरिया नजर आ रही है। लेकिन पुष्कर गायत्री का कहना है कि भले ही फिल्म की थीम वही हो लेकिन फिल्म की स्टोरी न्यू होने वाली है। अब देखना यही होगा कि एक न्यू स्टोरी और एक मिसफिट कास्ट के साथ क्या ये मूवी हमें ओरिजिनल विक्रम वेधा जैसा ही थ्रिल और एक्सपीरियंस देने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि ऋतिक रोशन हमेशा ही अपने फैंस को सरप्राइज करते हैं अपने अनोखे कैरेक्टर से। अब जब ऋतिक रोशन 3 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेंगे तो पब्लिक उनकी फिल्में देखने जरूर पहुंचेगी। लेकिन देखना यही होगा कि पब्लिक के हाथ लगती है डिसअपॉइंटमेंट या उन्हीं हाथों से पब्लिक बजाती है तालियां। चलिए, ये तो वक्त के साथ पता चल ही जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। नमस्कार। क्या ऋतिक रोशन की वजह से वाकई बड़ा विक्रम वेधा का बजट? क्या मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा? क्या वो 500 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी विक्रम वेधा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, पिछले काफी टाइम से खबर आ रही है कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर विक्रम वेधा की जो शूटिंग है वो फॉरेन कंट्रीज में किए जाने की बात की जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि इसका पूरा प्लॉट यूपी लखनऊ में है। लेकिन ऋतिक रोशन को यूपी की तंग गलियों से बड़ी परेशानी है और वो चाहते हैं कि लंदन या यूके में कुछ ऐसा ही सेट बनाया जाए और वहां पर शूटिंग की जाए, जिसकी वजह से मेकर्स का दिवाला निकल गया है। लेकिन अब मेकर्स ने एक बड़ा खुलासा किया है और सारी जो मिसलीडिंग खबरें आ रही हैं उनका खंडन किया है। मेकर्स ने खुलासा किया कि हम विक्रम वेधा की शूटिंग लोकेशन से जुड़ी बहुत सारी मिसलीडिंग खबरें सामने देख रहे हैं जो कि बेसलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है और भारत में ही बहुत बड़े पैमाने में इसका शूट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि विक्रम वेधा में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं और ऋतिक पर जो भी ये निराधार एलिगेशंस लगाए जा रहे थे वो गलत है, मेकर्स ने ये खुलासा कर दिया है।
आपको बता दें ऋतिक रोशन की ये फिल्म मोस्ट अवेटेड फिल्म है। ऋतिक रोशन कई लुक्स भी शेयर कर चुके हैं। विक्रम वेधा तमिल फिल्म है जिसका हिंदी रीमेक इसी नाम से बनाया जा रहा है और गायत्री पुष्कर की जोड़ी ने इसे तमिल में भी डायरेक्ट किया और अब हिंदी में भी डायरेक्ट करने जा रहे हैं। आपको बता दें विक्रम वेधा से मेकर्स को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और कहा जा रहा है कि 500 करोड़ का आंकड़ा ये आसानी से पार कर लेगी। तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्लॉट स्टूडियोज को। सिनेमा घरों में कैसे देखेंगे विक्रम वेधा का टीजर। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के प्रशंसकों को उनकी फिल्म विक्रम वेधा का पहली झलक की अनाउंसमेंट के बाद से बेसब्री से इंतजार है और अब ऐसा लग रहा है कि उनका इंतजार खत्म ही होने वाला है। जी हाँ, विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक के मेकर्स फिल्म का एक टीजर जारी करने की योजना बना रहे हैं और जो चर्चा है उनसे ये लगता है कि अगले सप्ताह ऋतिक और सैफ के एक्शन अवतार की झलक आ भी सकती है। आपको बता दें कि ऋतिक और सैफ अभिनीत विक्रम वेधा का टीजर लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन की रिलीज से सिनेमा स्क्रीन पर देखा जा सकता है। कथित तौर पर टीजर को फिल्मों के प्रिंट से नहीं जोड़ा जा रहा, लेकिन सिनेमा घरों में फिल्मों के शो शुरू होने से पहले से चलाया जाएगा। फिल्म का ट्रेलर नहीं आ रहा है, विक्रम वेधा का टीजर लॉन्च किया जाएगा और इसे आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार स्टारर रक्षाबंधन के शो से पहले सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा। मेकर्स इस निर्णय को स्वीकार करने में प्रसन्न थे क्योंकि ऋतिक और सैफ अभिनीत इस वर्ष की काफी प्रत्याशित फिल्म है यह। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया है कि विक्रम वेधा का टीजर सिनेमा घरों में दिखाए जाने से पहले ही इसे ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। एक सूत्र ने पोर्टल को बताया कि इसके 9 या 10 अगस्त को होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में दावा किया गया है क्योंकि विक्रम वेधा युद्ध के बाद स्क्रीन पर ऋतिक की वापसी का प्रतीक है, वो हिंदी रीमेक के लिए एक्साइटेड है। जब विक्रम वेधा से ऋतिक और सैफ के फर्स्ट लुक को रिवील किया गया तो प्रशंसकों में हड़कंप मच गया। हिंदी रीमेक में विजय सेतुपति और आर माधवन की भूमिकाओं में कदम रखते हुए दिखाई देंगे और मूल के प्रशंसकों के बीच उत्साह अपने चरम पर है। पुष्कर गायत्री द्वारा निर्देशित, जिन्होंने मूल फिल्म का निर्देशन भी किया, विक्रम वेधा इस साल रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार। क्यों है इस फिल्म को लेकर इतना बज़? क्या है इस फिल्म की स्टार कास्ट? फिल्म को लेकर क्या है माधवन? इस फिल्म को लेकर क्या कहा आर माधवन ने? साउथ इंडियन फिल्मों का बॉलीवुड में रीमेक होना कोई नई बात नहीं है, ये आजकल आम बात है। जब भी बॉलीवुड को अच्छे स्टोरीज की कमी होती है तो वो अपना रुख साउथ की सिनेमा की तरफ मोड़ लेते हैं। आजकल हर सक्सेसफुल साउथ इंडिया फिल्म का बॉलीवुड रीमेक ही बनता है और ऐसी ही एक और फिल्म जल्द ही बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर आने वाली है। ये फिल्म है 2017 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम वेधा, जिसे डायरेक्ट किया था पुष्कर गायत्री ने और फिल्म में लीड रोल में थे आर माधवन एंड विजय सेतुपति। ये फिल्म काफ़ी हिट रही, अब पुष्कर गायत्री इस फिल्म का रीमेक लाने का सोच रहे हैं और इसकी न्यूज़ ने बॉलीवुड के गलियों में काफ़ी हलचल मचा दिया है और हो भी क्यों ना, जब कास्ट इतनी सेंसेशनल हो। दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के हैंडसम हंक और वन ऑफ द सेक्सीएस्ट मैन अलाइव का खिताब जीतने वाले द वन एंड ओनली ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जिस भी फिल्म में काम करते हैं वो अपने ही
बज क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ऋतिक अपनी फिल्म बहुत ही सोच समझ कर और चूज करके लेते हैं और इसके लिए वो अपनी जी जान लगा देते हैं। एक्सट्रीम डाइट्स, एक्सट्रीम डांस प्रैक्टिस और सीक्वेंसेस, एक्शन सीक्वेंसेस, ऋतिक हर फिल्म में अपना 100% देता है और इसीलिए उनकी हर एक फिल्म इतनी फिनोमिनल साबित होती है। और क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में एक और नाम जुड़ने वाला है, वो है बेबो के नवाब साहब भी इस फिल्म में होंगे। बढ़ गई ना एक्साइटमेंट। इस फिल्म में सैफ अली खान और ऋतिक दोनों ही साथ साथ नजर आएंगे। ये दोनों ही बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स हैं, पर आज तक इन दोनों को कभी एक साथ किसी फिल्म में हमने नहीं देखा है। ये पहली बार होगा जब ये दोनों एक्टर्स एक साथ एक ही फिल्म में नजर आएंगे और यही है इस फिल्म की इतनी हाइप का रीजन। आर माधवन, जो कि तमिल वर्जन में विक्रम के रोल में नजर आए थे, उन्होंने पहले भी रहना है तेरे दिल में फिल्म में सैफ अली खान के साथ काम किया था। उनका कहना है कि सैफ अली खान में एक अलग चार्म है जो कि वो फिल्मों में भी खूब उभर कर लाते हैं और उन्हें ही फिल्म से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि सैफ और ऋतिक की जोड़ी कुछ बेहतर लेके जरूर आएगी। अब ये जोड़ी धमाल मचाएगी कि गोल मारी है तो वक्त ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भविष्यवाणी की गई थी, क्या विजय और माधवन को टक्कर दे पाएंगे हिंदी के विक्रम वेदा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीसा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर पर टिकी है सबकी नजर। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। इस बीच कमल आर खान ने इस फिल्म को लेकर भविष्यवाणी की है और कहा है कि ये फिल्म फ्लॉप साबित होगी। उन्होंने तो इतना तक चैलेंज कर दिया कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलती भी है तो वो फिल्मों का रिव्यू करना बंद कर देंगे। अब हाल ही में KIT ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा था कि एक्टर ऋतिक ने एक बहुत ही बेहतरीन कमर्शियल मूवी को रिजेक्ट कर दिया और विक्रम वेधा के लिए राजी हो गए, जो एक निश्चित ही डिजास्टर साबित होगी। तो इसके रिजल्ट के लिए कोई और कैसे जिम्मेदार हो सकता है? अब फिल्म रिलीज होने के बाद अपने रिव्यू या सभी डिटेल्स मैं दूंगा, लेकिन ऋतिक के लिए तो मेरा एक चैलेंज है। अब बता दें कि फिल्म इसी साल सितंबर में रिलीज होगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये फिल्म बुरी तरीके से फिट गई, तो ऋतिक को कैमरा के सामने आके कहना होगा कि उन्हें अच्छी और बुरी स्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं है। और आपको बता दें कि ऋतिक ने खुद फिल्म को डायरेक्शन किया है। अब जहां साउथ की फिल्म में विजय सेतुपति और आर माधवन लीड रोल में थे, तो इस फिल्म में जहां ऋतिक रोशन एक नेगेटिव कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो वहीं सैफ अली खान एक पुलिस वाले का रोल निभा रहे हैं। फिल्म में राधिका आपसे भी नजर आएंगी। बॉलीवुड फेमस एक्टर ऋतिक रोशन और सैफ अली खान 2017 की तमिल सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में शानदार रोल में दिखाई देंगे। अब मूल फिल्म में पुलिस अधिकारी विक्रम के किरदार में आर माधवन दिखाई दिए थे और वहीं विजय सेतुपति ने गैंगस्टर वेधा की भूमिका निभाई थी। तो वहीं अब हिंदी रीमेक में ऋतिक एक गुंडे मवारी का किरदार निभाने वाले हैं, जबकि सैफ एक इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हमें नजर आएंगे। दोनों एक्टर्स ने फिल्म से जुड़ने की पुष्टि ट्रेंड एनालिस्ट रमेश बाला ने अपने एक ट्वीट के जरिए की है और इन सोनी पॉपुलर एक्टर्स को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए उनके फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। अब फिल्म में दोनों का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। इससे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान गैंगस्टर वेधा के किरदार के लिए चुने गए थे, लेकिन सोर्सेस की माने तो आमिर ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ऋतिक को इसमें शामिल किया गया था। अब बॉलीवुड रीमेक को डायरेक्टर पुष्कर गायत्री द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इन्होंने ही तमिल फिल्म विक्रम वेधा का डायरेक्शन भी किया था। अब फिल्म की कहानी हमारे इतिहास की फेमस स्टोरी और पुरानी कहानी विक्रम बेताल के साथ जुड़ी हुई है।
जिससे कि विक्रम वेधा को जब भी पकड़ता है तो वो उसे कुछ न कुछ कहानी सुनाकर उसके जंगल में फंसा ही लेता है और ऐसे करीब 25 बार हो चुका है। लेकिन तमिल और हिंदी वर्जन में इतनी बार की कहानियां तो सुनने में नहीं आई थी और ना ही अब आएंगी। लेकिन आर माधवन और विजय सेतुपति की एक्टिंग फिल्म में दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। ऐसे में एक्टर ऋतिक और साथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो हिंदी रीमेक में अपनी अलग पहचान छोड़े, क्योंकि अब तक जितने भी तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक बने हैं उनमें करेक्टर्स के अलावा कुछ भी नया देखने को नहीं मिला और ऑडियंस अब एक नएपन की उम्मीद भी करती है। भले ही किसी भी वर्जन या लैंग्वेज का हिंदी रीमेक बने, लेकिन वही पुरानी चीजें हम नहीं देख सकते जिसे ऑडियंस पसंद भी करे क्योंकि उन्हें अलग देखना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार रीमेक में डायरेक्टर्स और एक्टर्स अपनी ऑडियंस का दिल जीत पाएंगे? तो कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी फिल्म विक्रम वेदा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। यह तमिल फिल्म की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है और इस फिल्म में ऋतिक के साथ साथ सैफ अली खान भी नजर आएंगे। ऋतिक ने दोस्तों फिल्म मेकर को सुझाव दिया था कि इस फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश की बजाय दुबई में होनी चाहिए। अब विदेश में शूटिंग होने की बजाय फिल्म का बजट बढ़ गया। जहां ये फिल्म लगभग 130 या 150 करोड़ में बनाई जा रही थी, वहीं फिल्म का बजट बढ़कर 175 करोड़ हो गया, जिससे ये ऋतिक रोशन की अब तक की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म मानी जा रही है। दोस्तों, ऐसी और भी फिल्में हैं जिनका बजट, समय, स्क्रिप्ट या किसी और वजह से बढ़ा है। तो चलिए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में और साथ ही उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से बजट में बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले है मणिकर्णिका। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका को बनाते समय कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले इस फिल्म को साउथ के डायरेक्टर क्रिश डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस फिल्म को बीच में अधूरा ही छोड़ दिया और बाद में इस फिल्म की कमान संभाली कंगना रनौत ने। इसके बाद कंगना के साथ क्रिएटिव डिफरेंस के कारण सोनू सूद ने भी फिल्म को छोड़ दिया। फिर जिशन अयूब के साथ दोबारा शूट किया गया और इसके अलावा भी कंगना ने कई बदलाव किए, जिस वजह से फिल्म का बजट बढ़कर 150 करोड़ हो गया। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में। रेस 3। ये रेस फिल्म का सीक्वल है जिसमें सैफ अली खान लीड रोल में थे। वहीं रेस 3 में सलमान खान लीड रोल में नजर आए। रेस 3 के स्क्रिप्ट में सलमान खान ने कई बदलाव किए। इसके साथ उन्होंने ये भी शर्त रखी कि फिल्मों का डायरेक्शन रेमो डिसूजा से कराया जाए। ऐसा भी माना जाता है कि काला हिरण मामले में सलमान को दोषी पाया गया था, जिस कारण भी फिल्म को बनाने में देरी हो गई थी। इन सभी कारणों की वजह से फिल्म का बजट 180 करोड़ रुपए हो गया था। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2018 में। थग्स ऑफ हिंदुस्तान। इस फिल्म का बजट भी आमिर खान के कारण बढ़ा था। फिल्म की शूटिंग से कुछ समय पहले आमिर इटली चले गए, जिसकी वजह से फिल्म बनने में देरी हो गई। पहले इस फिल्म के कई सीन्स माल्टा में शूट किए गए, जिन्हें दोबारा यशराज स्टूडियो में भी शूट किया गया और इसी वजह से फिल्म का बजट बढ़ा और बजट गया 300 करोड़ के पास। मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में राज कपूर एक्टर के साथ ही फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म 5 घंटे की थी। साथ ही फिल्म में 2 इंटरवल थे। राज कपूर ये भी चाहते थे कि फिल्म के 6 चैप्टर बने, लेकिन बाद में सिर्फ 3 चैप्टर में फिल्म को पूरा किया गया। इन सभी बदलाव की वजह से फिल्म का बजट बढ़ता चला गया और बाद में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। मुगले आजम को बनाने में 16 साल लगे थे। इस फिल्म के दौरान दिलीप और मधुबाला को एक दूसरे से प्यार हुआ और तकरार भी। ऐसे में फिल्म को बनाने में लीड एक्टर के बीच की तकरार और कई वजह से देरी से हुए चीजों की वजह से बजट बढ़ता चला गया और मुगले आजम को उस समय बनाने में 1.5 करोड़ की लागत आई थी, जबकि उस दौर में फिल्म 10 से 15 लाख में इजिली बन जाती थी। इस रिपोर्ट की आखिरी फिल्म है सेतु बंधन। फिल्म के लिए माया शंकर भट्ट ने इस शर्त के साथ दादा फाल्के को 50,000 रुपए दिए कि फिल्म इतने ही बजट में बने। फिल्म तैयार होने से पहले पैसे कम पड़ गए और फिल्म 1 साल तक रुक गई। फिर बाद में फाल्के के सेट से इम्प्रेस होकर फाल्के की पिछली कंपनी के वर्मन आप्टे ने उन्हें 1 लाख रुपए का फंड दिया। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1932 में। तो लगभग ये है मोटा मोटी 6 फिल्में जिनका बजट किसी न किसी वजह से बढ़ा और शायद इसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। वेल, आपको क्या कहना है इन फिल्मों के बारे में और क्या आप लोगों ने ये फिल्में देखी हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। मेरे रास्ते से हट जाओ। कोई भी गड़बड़ की तो सबसे पहले गोली मैं मारूंगा। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला तो। क्या है फिल्म की कास्ट? क्या ऋतिक की कहानी से इन्फ्लुएंस होगी ऑडियंस? आपने बचपन में विक्रांत बेताल के किस्से तो सुने ही होंगे और शायद टीवी पर देखे भी होंगे।
एक आइकॉनिक स्टोरी जो कि आपके मोर डिलेमा और डिसीजन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेस्ट करता है और मोस्टली एनेबल करता है ताकि आप किसी भी डिसीजन के राइट या रॉन्ग साइड के अलावा उस तीसरे एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर करें। पर क्या हो जब यही एक्सपीरियंस आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिले और वो टॉप नॉच एक्ट्रेस की एक्टिंग के साथ। पेशकार गायत्री फिर से अपने मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म विक्रम वेदा की रीमेक बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी में है और फिल्म में 3 शॉर्ट स्टोरीज होंगी और हर स्टोरी का लास्ट में होगा एक क्वेश्चन जो आपके डिसीजन मेकिंग से करेंगे टेस्ट। फिल्म का सपोर्टिंग कास्ट में राधिका आप्टे, रोहित शर्मा और योगिनीता बिकानी जो कि इन शॉर्ट स्टोरीज में दिखने वाली हैं और इसमें लीड रोल में है सेक्सीस्ट मैन अलाइव का खिताब जीतने वाले बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन और सैफ अली खान। ऋतिक रोशन ने 2000 में अपनी जर्नी की शुरुआत की और फिल्म एक के बाद एक कई हिट फिल्म्स और आइकॉनिक कैरेक्टर्स बॉलीवुड इंडस्ट्री को उन्होंने दिए। ऋतिक का हर एक कैरेक्टर ने ऑडियंस पर अपनी एक खास छाप छोड़ी है, चाहे वो कोई मिल गया का रोहित हो या सुपर 30 का आनंद कुमार। ऋतिक ने हमेशा ही अपनी एक्टिंग से सबको मेस्मराइज्ड और सरप्राइज किया है और हर एक रोल के साथ उनकी एक्टिंग और भी स्किल्ड और पॉलिश्ड नजर आती चली गई है। उन्होंने ना ये साबित किया है कि उनके लिए कोई भी रोल मुश्किल नहीं। अब ऐसे में फिल्म में ऋतिक रोशन का नाम आते ही फैंस की एक्साइटमेंट तेज हो जाती है तो ऑब्वियस की बात है। और फिल्म में ऋतिक रोशन वेदा के रोल में नजर आने वाले हैं, जैसे कि विक्रम बेताल की कहानी में बेताल कहानियां सुनाते हैं कुछ वैसे ही। पर ये रोल काफी चैलेंजिंग और अलग होने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऋतिक की एक्टिंग का लोहा तो सभी मानते हैं पर एक पावरफुल स्टोरी टेलिंग का टैलेंट क्या साबित कर पाएंगे ऋतिक? क्या अपनी स्टोरी टेलिंग से ऋतिक ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, क्योंकि फिल्म का मेन मोटिव है स्टोरी टेलिंग का, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कैसे जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रास्ते से हट जा। जो सीखा है आपसे सीखा है। पूरी तरह से कॉपी पेस्ट और क्या मेकर्स बोल रहे हैं फिल्म को लेकर अपने दर्शकों से झूठ? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हम आज की अपनी इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दैट्स राइट। देखिए, फिल्म विक्रम वेधा का अपनी रिलीज से पहले ही काफी बज है और ये बस जोरों शोरों से इसीलिए है क्योंकि फिल्म की शूटिंग हो चुकी है पूरी और अब फैंस इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर का। मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेकर्स की तरफ से तो कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर, लेकिन फैंस तो फैंस है और वो तो करते ही है इंतजार अपनी फेवरेट फिल्मों का। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म का बस इसीलिए भी है क्योंकि इस फिल्म में हमें कई सालों बाद साथ नजर आने वाले हैं ऋतिक रोशन और सैफ अली खान। ऋतिक रोशन इस फिल्म में पहली बार नेगेटिव रोल में दिखेंगे, हालांकि इससे पहले भी वो धूम 2 में मिस्टर ए के किरदार में नजर आ चुके हैं, लेकिन वो रोल पूरी तरह से नेगेटिव नहीं था बल्कि एंटी हीरो था। हालांकि इस फिल्म में ऋतिक रोशन पूरी तरह से क्रिमिनल दिखने वाले हैं, एक ऐसे क्रिमिनल के रोल में जो कि अपनी मजबूरी के चलते नहीं बल्कि शौक के चलते क्रिमिनल बनता है। क्या मूवी में कौन कैसे रोल में नजर आएगा ये तो हम रिलीज होने के बाद देख ही लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऋतिक और सैफ के अलावा और कौन सी स्टारकास्ट देखने को मिलने वाली है हमें नई विक्रम वेधा में।
तो खैर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि फिल्म के किरदार और किरदारों के नाम पूरी तरह से तमिल वर्जन के कॉपी पेस्ट होने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। हमें सैफ की बीवी यानी कि प्रिया के किरदार में नजर आएंगी राधिका आप्टे। वहीं अगर मैं बात करूं वेधा यानी कि ऋतिक रोशन की मूवी में लव इंटरेस्ट की, तो उनका कोई भी लव इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि किसी भी एक्ट्रेस को ऋतिक के ऑपोजिट कास्ट नहीं किया गया है। फिल्म में वेधा के भाई यानी पुन्नू के रोल में हमें नजर आने वाले हैं रोहित सरफ। जी हाँ, वही रोहित सरफ जिन्हें आपने द स्काई इज पिंक, हिचकी, लूडो और डियर जिंदगी जैसी फिल्मों में भी देखा होगा। अब मैं बात करूं पुन्नू के लव इंटरेस्ट यानी कि चंदा के रोल में हमें कौन नजर आएगा, तो उस रोल में हमें नजर आने वाली है योगिता बिहानी। जी हाँ, वही योगिता बिहानी जिन्होंने पलक शर्मा का रोल निभाया था एकता कपूर के सीरियल दिल ही तो है में। अब ये तो हो गई फिल्म की स्टारकास्ट से जुड़ी खबर। अब अगर मैं आपको फिल्म की स्टोरी से जुड़ी खबर दूं, तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि फिल्म विक्रम वेधा विक्रम बेताल से ही इंस्पायर्ड थी, जहां बेताल सुनाता है विक्रम को कहानियां। बस कुछ ऐसा ही हमें नई वाली विक्रम वेधा में भी देखने को मिलने वाला है, जहां वेधा सुनाएगा विक्रम को कहानियां, जो कि यंग एक्टर्स रोहित सरफ और योगिता बिहानी के कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी। जी हां, कुछ ऐसा ही होने वाला है। हालांकि मेकर्स की माने तो मेकर्स का ये कहना है कि भले ही फिल्म रीमेक है, लेकिन फिल्म की कहानी पूरी तरह से नई होने वाली है। अब हमें देखना यही होगा कि फिल्म की कहानी भी नई होती है या सिर्फ काम चलाना पड़ेगा हमें नए चेहरों से ही। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, साल 2019 में सुपर 30 जिसने बॉक्स ऑफिस पर 146 करोड़ रुपए की कमाई की और वॉर जिसने बॉक्स ऑफिस पर 317 करोड़ रुपए की कमाई की, मतलब कि एक के बाद एक दो ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले ऋतिक रोशन अब अपनी अगली फिल्म विक्रम वेधा के साथ दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए एक बार फिर से तैयार है। जब से विक्रम वेधा से ऋतिक रोशन का गैंगस्टर लुक सामने आया है, तब से उनके फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और फैंस का एक्साइटमेंट को देखते हुए अब फाइनली विक्रम वेधा का टीजर रिलीज किया जा रहा है। मतलब खबरें हैं कि 30 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो सकता है। जी हां, कहा जा रहा है कि अगस्त के सेकंड हफ्ते में विक्रम वेधा का टीजर हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद सितंबर में हमें फिल्म का ट्रेलर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि विक्रम वेधा का टीजर 11 अगस्त को रिलीज हो रही है और वो भी आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के शुरू होने से पहले ही थिएटर में आप लोगों को विक्रम वेधा का टीजर देखने को मिलेगा। मतलब कि एक साथ तीन धमाके होने वाले हैं, वो भी 11 अगस्त को। टीजर इन फिल्मों के प्रिंट के साथ अटैच नहीं किया जाएगा। थिएटर्स ने अनुरोध किया है कि जब दर्शक अगले हफ्ते इन दो बड़ी फिल्मों यानी कि लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को देखने आएंगे, तो विक्रम वेधा का टीजर चलाया जाए, जैसा कि हम सभी को उम्मीद था। और इस बात से एग्जीबिटर्स भी काफी खुश है। ऋतिक के फर्स्ट लुक ने भी दर्शकों को काफी प्रभावित किया और इन्हीं सब वजहों से इस फिल्म से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिसके चलते इसके टीजर का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि टीजर सिर्फ और सिर्फ सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये टीजर ऑनलाइन भी रिलीज होगा। वेल, आप कितने एक्साइटेड है फिल्म के टीजर के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राउंड स्टूडियोज। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा।
और कहां मिलेगा ये जफर? विक्रम बने माधवन की वाइफ की क्या है स्टोरी? मैडी को किस बात का इंतजार है? माधवन किसकी तरह फिट बनना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। विक्रम वेधा 2017 में रिलीज हुई थी, तब वेधा के रोल में नजर आए थे एक्टर विजय सेतुपति और विक्रम के रोल में नजर आए थे आर माधवन। वही फिल्म में एडवोकेट वाइफ प्रिया के रोल में एक्ट्रेस श्रद्धा श्रीनाथ दिखी थी और इन दिनों विक्रम वेधा अपने रीमेक को लेकर चर्चा में है, जिसके वेधा बने हमारे सुपरस्टार ऋतिक रोशन और विक्रम बनेंगे सैफ अली खान। फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ एक प्रोफेशनल एडवोकेट और साड़ी लुक में नजर आई थी, लेकिन रियल लाइफ में एक्ट्रेस काफी ग्लैमरस और टैलेंटेड है और अभी तक तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी हैं। श्रद्धा का जन्म 29 सितंबर 1990 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। इनके पिता रेजिमेंट में एक ऑफिसर हैं और माँ एक स्कूल टीचर है। श्रद्धा ने अपनी पढ़ाई लिखाई लगभग पूरे भारत में रहकर की है, क्योंकि इनकी फैमिली ऑलमोस्ट हर जगह जैसे सूरतगढ़, बेंगलोर, हैदराबाद और तेलंगाना में रह चुकी है। लेकिन इन्होंने बेंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में आगे की पढ़ाई की थी। लॉ करने के बाद इन्होंने एक लीगल कंपनी के साथ अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट की थी। इसके साथ काफी फिल्मों और एड में भी काम करती रहती थी और पहली फिल्म कोहिनूर में इनको सेकंड लीड रोल मिला था और अब साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस में आज इनका नाम भी गिना जाता है। विक्रम वेधा में विक्रम उर्फ माधवन से किसी एक इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे गए थे और एक सवाल था, आपको किसकी परफॉर्मेंस देखने का इंतजार है? क्योंकि अब जबकि इनकी फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है तो डेफिनेटली इन्हें एक्साइटमेंट तो होगी ही। और माधवन की विक्रम वेधा में उन्होंने एक ईमानदार पुलिस वाले का किरदार निभाया था जो गैंगस्टर वेधा का सामना करता है, और इसी तरह के रोल में वो भी रीमेक में देखना चाहते हैं कि कौन कैसा रोल प्ले करेगा। जबकि जब प्लंज यही सवाल किया तो वो बोले, मैं डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना चाहता। हालांकि ऋतिक रोशन काफी हैंडसम लग रहे थे, लेकिन मुझे सैफ को देखने का इंतजार है क्योंकि वो मेरा किरदार निभा रहे हैं और मैं देखना चाहता हूं कि वो किस तरीके से मुझे मात देकर आगे निकल पाते हैं। आपको बता दें कि रहना है तेरे दिल में मूवी में सैफ और माधवन को एक साथ देखा गया था, लेकिन उसमें सैफ ने माधवन को मात दे दी थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार माधवन ही असली हीरो रहते हैं या फिर सैफ बाजी मार के आगे निकल जाते हैं। विक्रम वेधा एक तमिल गैंगस्टर पॉप ड्रामा मूवी थी और माधवन ने ऋतिक की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि वो इस मूवी में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। माधवन ने आगे कहा, वो ऋतिक की तरह फिट होना चाहते हैं क्योंकि वो कैटरीना कैफ के साथ काम करना चाहते हैं। क्योंकि विक्रम वेधा के फर्स्ट लुक में ऋतिक को एकदम फिट देखकर माधवन की दिल की इच्छा बाहर आ रही है। आगे माधवन ने कहा, मैंने और ऋतिक ने एक साथ समय पर शुरुआत की थी और आज के टाइम पर भी एक्टर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अगर उनकी तारीफ करता रहूंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो हर रोल में बहुत फिट हो जाते हैं और मुझे भी उनकी तरह फिट होना है ताकि मैं कैटरीना कैफ के साथ काम कर सकूं। तो आगे आने वाले टाइम में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि माधवन कितना खुद को मोटिवेट कर पाते हैं और कितना खुद को फिट रख पाते हैं। बाकी जब भी हम और आप ये मूवी देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि कौन कितनी शिद्दत से कोशिश करता है और इस फिल्म को सफल बनाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, इस बार सैफ अली खान अपनी फिल्म विक्रम वेधा में माधवन की एक्टिंग को पीछे छोड़ पाएंगे? डू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन नाउ। थैंक यू। मेरे रास्ते से हट जा। विक्रम वेधा के अलावा और ऋतिक के अदर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? क्यों क्रूशियल है ऋतिक के लिए ये साल? साल 2000 से ऋतिक रोशन ने कहूँ ना प्यार है से बॉलीवुड में अपना कदम रखा और आते ही बन गए बॉलीवुड के हॉट। लोग उनके ग्रीक गॉड लुक्स के दीवाने बन गए हैं। गुड लुक्स के साथ साथ ऋतिक की डांसिंग की भी उतनी ही तारीफ होती है। ऋतिक ने टाइम टू टाइम अपने एक्सेलेंट परफॉर्मेंस से लोगों को सरप्राइज किया है, जैसे कि जोधा अकबर, कोई मिल गया, धूम 2 और सुपर 36 जैसी मूवीज करके।
पैंडेमिक के कारण 3 साल से बड़े पर्दे से दूर ही थे वो, और अब 3 साल बाद ऋतिक फिर से बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। और साल 2022 और 2023 ऋतिक के लिए काफी क्रूशल ईयर साबित होने वाला है। ऋतिक पर बॉलीवुड के लगभग 875 करोड़ लगे हैं। जी हाँ, क्योंकि इस साल ऋतिक की 4 हाई बजट फिल्में रिलीज होने वाली है। कौन कौन सी है वो फिल्में, चलिए हम बताते हैं आपको। विक्रम वेदा, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर विक्रम वेदा है, जिसे लेकर फैंस के बीच में काफी बज है, क्योंकि इसमें ऋतिक पहली बार एक नेगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं। साथ में वो इस फिल्म में सैफ अली खान के साथ भी नजर आएंगे। इस मूवी का बजट लगभग 175 करोड़ का है। दूसरी फिल्म है वॉर टू ने 450 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में लोगों ने ऋतिक के रोल को काफी पसंद किया था, और फिर से ऋतिक को इस मूवी में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। इसका बजट लगभग 200 करोड़ तक का माना जा रहा है। तीसरी मूवी है फाइटर। तीसरे नंबर पर है दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर। जैसे कि इसके नाम से ही ऑब्वियस है, ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। खबरों के अनुसार इस फिल्म का बजट 250 करोड़ का होने वाला है। चौथी फिल्म है क्रिश 4। चौथे नंबर पर है क्रिश फ्रेंचाइजी की मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रिश 4। इस फिल्म के VFX और एक्शन सीक्वेंस में काफी पैसे लगने वाले हैं। फिलहाल इस फिल्म का बजट अभी 250 करोड़ ही बताया जा रहा है, बट शायद से बजट बढ़ भी सकता है। इन सब के साथ ऋतिक रोशन पर बॉलीवुड के लगने वाले हैं टोटल 875 करोड़। अब ऋतिक इन पैसों को बॉक्स ऑफिस पर करते हैं डबल या गिराते हैं मुंह के बल, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए बॉलीवुड की ताजा खबरें जानने के लिए। और तो और, हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख ना, तो इनमें मरने का काम है। कब आ रहा है विक्रम वेदा का ट्रेलर? क्या 4 वीक्स प्रमोशनल स्ट्रेटजी अपनाएंगे मेकर्स, और क्यों इतना लेट आ रहा है फिल्म का ट्रेलर? नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। अभी जब लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन थिएटर्स में रिलीज हुई तो सबको उम्मीद थी कि हमें थिएटर्स में विक्रम वेदा का ट्रेलर देखने को मिलेगा। एटलीस्ट फिल्म का टीजर तो कंफर्म थिएटर में हमारा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म का ट्रेलर, टीजर, क्या एक छोटा सा मोशन पोस्टर भी हमसे शेयर नहीं किया गया। इसके बाद फैंस ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब मंथ के मिड में हमें ट्रेलर ऑनलाइन ही दिखेगा। सोशल मीडिया या यूट्यूब पर सबकी नजरें थी, लेकिन देखते देखते मिड मंथ भी निकल गया और अब हम मंथ के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बीच फिल्म ने बॉयकॉट को भी फेस किया और फिल्म को फैंस का सपोर्ट भी मिला, जिससे ये साफ जाहिर हुआ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है फैंस का एक्साइटमेंट अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। लेकिन 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 फिल्म से जुड़ी अब जो सबसे फ्रेश और कंफर्म न्यूज सामने आ रही है वो ये है कि मेकर्स इस बार फिल्म के ट्रेलर को लाने के लिए तैयार है, और सोशल मीडिया या यूट्यूब पर नहीं बल्कि डायरेक्ट थिएटर्स में। फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा 2 सितंबर यानी ब्रह्मास्त्र की रिलीज के साथ, मतलब थिएटर्स में फैंस को 2 ग्रैंड सरप्राइज से रूबरू कराया जाएगा। पहला विक्रम वेदा का ट्रेलर और फिर मच अवेटेड ब्रह्मास्त्र। बॉलीवुड के एक वेल नोन सोर्स के थ्रू ये खबर आई है कि फिल्म के मेकर्स लॉन्ग प्रमोशनल कैंपेन्स की जगह शॉर्ट और क्रिस्प प्रमोशंस पर ध्यान देंगे। उनका प्रमोशनल कैंपेन 2 सितंबर से स्टार्ट होकर फिल्म के रिलीज डेट तक चलेगा, यानी लगभग 4 वीक्स, और इस बीच वो हर तरह से फिल्म को प्रमोट करेंगे ऑन ग्राउंड लेवल, ऑन सोशल मीडिया, इंक्लूडिंग फिल्म स्टार्स। हाँ, सैफ और ऋतिक फिल्म में ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी पहली बार साथ दिखेंगे, कई रियलिटी शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और अपने फिल्मी कैंपेन्स में। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि बेसिकली फिल्म के मेकर्स रोहित शेट्टी की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं।
आपने गौर ना किया हो लेकिन रोहित भी अपनी फिल्मों का कई महीनों पहले से प्रमोशन नहीं करते। जैसे अभी 4 महीने बाद ही उनकी सर्कस रिलीज होने वाली है, लेकिन बिग बजट फिल्म्स की तरह वो इसका प्रमोशन अभी से स्टार्ट नहीं करने वाले। सर्कस का प्रमोशनल प्लान भी नवंबर के लिए फिक्स है और बस इस बार यही स्ट्रैटेजी लेकर उतरेंगे विक्रम वेदा के मेकर्स। और यही वजह रही कि जहां पहले फिल्म के ट्रेलर को 11 अगस्त को रिलीज किया जाना था, तो अब ये ऑलमोस्ट 1 महीने बाद रिलीज होगा, जब फिल्म के रिलीज में सिर्फ 4 हफ्तों का गैप होगा। अकॉर्डिंग टू मेकर्स, वो ऑडियंस से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि एक बार फिल्म का फर्स्ट लुक फैंस के सामने आ गया तो बस उसके बाद उन्हें हर दिन फिल्म को लेकर एक नई अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल अब फिल्म का ट्रेलर तो कंफर्म है, बस थोड़ा सा इंतजार और हमें दर्शन होंगे ऋतिक वर्सेस सैफ की वॉर के। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख ना, तो इनमें मरने का काम है। क्या विक्रम वेधा भी आई ऑडियंस के निशाने पर? क्यों ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बॉयकॉट विक्रम वेधा? क्या रीमेक का टैग बना फिल्म के बॉयकॉट की वजह? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म विक्रम वेधा के बारे में। दोस्तों, बीते कुछ सालों से बॉलीवुड रीमेक का बोझ अपने ऊपर ऐसे लेकर चल रहा है जैसे कोई कछुआ। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही, ये बिल्कुल ही परफेक्ट एग्जाम्पल है जो मैं दे सकती हूँ, क्योंकि रीमेक फैंस को उभार नहीं रहा बल्कि कछुए की तरह बॉलीवुड की रफ्तार भी धीमी करते जा रहा है। आज के टाइम पर जब हम घर बैठे ही फिल्म्स और वेब शोज के मजे ले सकते हैं और ऑडियंस को वहाँ बेटर और यूनिक कंटेंट भी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली पब्लिक को थिएटर तक लाना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर आपको एक बेटर कंटेंट की जगह पुरानी फिल्म का ही रीमेक बनाकर बड़ी सी स्टार कास्ट का लालच देकर थिएटर बुलाया जाए तो क्या आप जाएंगे? शायद नहीं। और बस यही रीजन है कि फैंस अब फिल्मों को बॉयकॉट करने पर उतर आए हैं। पहले लाल सिंह चड्ढा और अब विक्रम वेधा, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ तक इससे कुछ दिन पहले ही ट्विटर पर फैंस का ये गुस्सा देखने को मिल रहा था कि आखिर फिल्म का अभी तक कोई भी टीजर या ट्रेलर हमें देखने को क्यों नहीं मिला। तो अब हाल ये है कि ऑडियंस फिल्म को बॉयकॉट करती नजर आ रही है। असल में फिल्म के एक्टर ऋतिक रोशन लास्ट वीकेंड अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर आमिर की रिसेंटली रिलीज लाल सिंह चड्ढा देखने थिएटर पहुंचे, बट फिल्म देखकर बाहर आते वक्त मीडिया ने उन्हें स्पॉट कर लिया और फिल्म को लेकर उनके रिव्यू के लिए डिमांड करने लगे। हालांकि उस वक्त तो ऋतिक ने कोई भी कॉमेंट नहीं किया, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ऋतिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लाल सिंह चड्ढा को रिव्यू देते हुए लिखा कि इट्स अ जेम गाइस और फिल्म को मैग्निफिसेंट बताया। उन्होंने फिल्म की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को साइड रखने को कहा और फैंस से इसे जरूर देखने की डिमांड की, क्योंकि उनका साफ कहना था कि डोंट मिस दिस जेम गाइस, गो नाउ। अब इसके बाद से ही फैंस की नाराजगी उनकी आने वाली फिल्म के लिए नजर आने लगी, क्योंकि फिल्म लाल सिंह चड्ढा के रिलीज के बाद से ही कई बॉलीवुड स्टार्स फिल्म के सपोर्ट में आए और इसे देखने की डिमांड करते हुए भी नजर आए। और इसी वजह से ऋतिक की डिमांड को भी फैंस ने काफी नेगेटिव वे में ले लिया और ऋतिक के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उनकी आने वाली फिल्म को टारगेट करते हुए वो नजर आए। साथ ही एक यूजर ने ये भी कहा कि हमें इतने पैसे खर्च करके एक रीमेक को थिएटर में देखने क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि हम इसकी ओरिजिनल फिल्म यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। और धीरे धीरे कई यूजर्स इसके सपोर्ट में खड़े हो गए और देखते ही देखते हैशटैग बॉयकॉट विक्रम वेधा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। अब हालांकि दोनों ही चीजों में सही क्या है ये तो मैं नहीं कह सकती,
लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि बॉलीवुड में दृश्यम, कबीर सिंह और सिंघम जैसी रीमेक्स भी रिलीज हुई है, जो ओरिजिनल फिल्म से भी काफी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमारे सामने रख चुकी है। साथ ही फैंस को भी काफी पसंद आई है। तो सिर्फ रीमेक के टैग से ही हम किसी फिल्म को जज नहीं कर सकते, बाकी तो आपका डिसीजन है। फिलहाल आप हमें बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख। क्या राधिका ने दिए 100 से भी ज्यादा ऑडिशन? फिल्म में क्यों राधिका और ऋतिक ने नहीं किया साथ में कोई भी सीन? क्या फिल्म का टीजर बढ़ा थोड़ा सा आगे? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। तो आपने ऐसे कई एक्टर्स के बारे में सुना होगा जो अपनी स्ट्रगल के लिए जाने जाते हैं और कुछ एक्टर्स अपनी एक्टिंग के दम पर फैंस के दिलों में एक अलग ही जगह बना लेते हैं। ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनका अपनी एक्टिंग के दम पर फैन बेस इतना ज्यादा है कि वो किसी को भी कम्पीट कर दे। फैंस के दिल में ऐसे एक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इज्जत होती है और फैंस ऐसे एक्टर्स को काफी पसंद भी करते हैं। कुछ ऐसे एक्टर्स के नाम है पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, साथ ही साथ राजकुमार राव। अब आप सब तो जानते ही हैं ऐसे एक्टर्स फैंस के दिलों में कितनी खास जगह बना लेते हैं और फैंस भी इन एक्टर्स के प्रति बहुत लॉयल रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में। आज हम बात करेंगे उनकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में भी। हम बात करने जा रहे हैं विक्रम वेधा की एक्ट्रेस राधिका आप्टे की। राधिका आप्टे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस है, लेकिन बॉलीवुड में अपना कदम जमाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी। ऐसे कुछ ही लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि राधिका आप्टे ने बॉलीवुड में डेब्यू साल 2005 में ही कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बात की भनक काफी सारे लोगों को नहीं लगी थी। ऐसे कुछ ही लोग हैं जिन्हें पता है कि अब राधिका आप्टे को बॉलीवुड में 17 साल हो चुके हैं। खैर, उन्होंने अपना कदम जमाने के लिए कड़ी मेहनत करी। उनके मुताबिक उन्होंने 100 से भी ज्यादा ऑडिशन दिए हैं एक फिल्म में अपना रोल पाने के लिए। राधिका आप्टे को पहचान और फेम उनकी साल 2016 की फिल्म फोबिया से मिला, जिसमें उन्होंने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। सेक्रेट गेम और लव स्टोरीज जैसी कई सारी वेब सीरीज में उन्होंने काम किया और बहुत ज्यादा फेम भी पाया। आपको बता दें 2018 में आई उनकी फिल्म अंधाधुन के लिए भी उन्हें बहुत सहारा गया ऑडियंस के द्वारा। खैर, राधिका आप्टे से जब पूछा गया विक्रम वेधा के बारे में तो उनका जवाब ये था कि विक्रम वेधा में रोल पाने के लिए भी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। विक्रम वेधा के लिए भी उन्हें काफी सारे ऑडिशंस देने पड़े। जब उनसे पूछा गया सैफ और ऋतिक के साथ केमिस्ट्री के बारे में तो उनका जवाब ये था कि ऋतिक के साथ तो उनके साथ काफी सारे सीन्स है ही नहीं, उनके मेजर सीन सैफ अली खान के साथ है क्योंकि वो उसमें उनकी वाइफ का किरदार निभा रही हैं। ऋतिक के साथ उनका सिर्फ एक ही सीन था, लेकिन उन्होंने ये बताया ऋतिक रोशन उन्हें सेट पर काफी कंफर्टेबल भी फील करवाते थे और काफी ज्यादा सिखाते भी थे एक्टिंग के बारे में। उन्हें ऋतिक रोशन से काफी सारी चीजें सीखने को मिली। वहीं बताएं कि राधिका आप्टे का ये एक्सपीरियंस ऋतिक रोशन के साथ काफी अच्छा गया था। अब बात करते हैं टीजर की। फैंस बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं टीजर का। आपको बता दें कि उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी फिल्म रिलीज होगी लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के साथ ही थिएटर्स में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सब तो जानते ही हैं ये दोनों फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और अब तक विक्रम वेधा का कोई भी अता पता नहीं है। खैर, सुनने में आ रहा है इस महीने के अंत तक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो जाएगा
और उससे पहले ही हमें कुछ ही दिनों में टीजर के रूप में फिल्म की झलक नजर आ जाएगी। आप कितने एक्साइटेड हैं विक्रम वेधा के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख ना, तो इनमें मरने का काम है। कब आ रहा है विक्रम वेधा का ट्रेलर? क्या 4 वीक्स प्रमोशनल स्ट्रेटजी अपनाएंगे मेकर्स? और क्यों इतना लेट आ रहा है फिल्म का ट्रेलर? नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। अभी जब लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन थिएटर्स में रिलीज हुई तो सबको उम्मीद थी कि हमें थिएटर्स में विक्रम वेधा का ट्रेलर देखने को मिलेगा, एटलीस्ट फिल्म का टीजर तो कंफर्म थिएटर में हमारा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म का ट्रेलर, टीजर क्या, एक छोटा सा मोशन पोस्टर भी हमसे शेयर नहीं किया गया। इसके बाद फैंस ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब मंथ के मिड में हमें ट्रेलर ऑनलाइन ही दिखेगा। सोशल मीडिया या यूट्यूब पर सबकी नजरें थी, लेकिन देखते देखते मिड मंथ भी निकल गया और अब हम मंथ के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बीच फिल्म ने बॉयकॉट को भी फेस किया और फिल्म को फैंस का सपोर्ट भी मिला, जिससे ये साफ जाहिर हुआ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है फैंस का एक्साइटमेंट अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। लेकिन 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 फिल्म से जुड़ी अब जो सबसे फ्रेश और कंफर्म न्यूज सामने आ रही है वो ये है कि मेकर्स इस बार फिल्म के ट्रेलर को लाने के लिए तैयार है, और सोशल मीडिया या यूट्यूब पर नहीं बल्कि डायरेक्ट थिएटर्स में। फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा 2 सितंबर यानी ब्रह्मास्त्र की रिलीज के साथ, मतलब थिएटर्स में फैंस को 2 ग्रैंड सरप्राइज से रूबरू कराया जाएगा। पहला विक्रम वेधा का ट्रेलर और फिर मच अवेटेड ब्रह्मास्त्र। बॉलीवुड के एक वेल नोन सोर्स के थ्रू ये खबर आई है कि फिल्म के मेकर्स लॉन्ग प्रमोशनल कैंपेन्स की जगह शॉर्ट और क्रिस्प प्रमोशंस पर ध्यान देंगे। उनका प्रमोशनल कैंपेन 2 सितंबर से स्टार्ट होकर फिल्म के रिलीज डेट तक चलेगा, यानी लगभग 4 वीक्स, और इस बीच वो हर तरह से फिल्म को प्रमोट करेंगे ऑन ग्राउंड लेवल, ऑन सोशल मीडिया, इंक्लूडिंग फिल्म स्टार्स। हाँ, सैफ और ऋतिक फिल्म में ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी पहली बार साथ दिखेंगे, कई रियलिटी शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और अपने फिल्मी कैंपेन्स में। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि बेसिकली फिल्म के मेकर्स रोहित शेट्टी की प्रमोशनल स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। आपने गौर ना किया हो लेकिन रोहित भी अपनी फिल्मों का कई महीनों पहले से प्रमोशन नहीं करते, जैसे अभी 4 महीने बाद ही उनकी सर्कस रिलीज होने वाली है। लेकिन बिग बजट फिल्म्स की तरह वो इसका प्रमोशन अभी से स्टार्ट नहीं करने वाले। सर्कस का प्रमोशनल प्लान भी नवंबर के लिए फिक्स है और बस इस बार यही स्ट्रेटजी लेकर उतरेंगे विक्रम वेधा के मेकर्स। और यही वजह रही कि जहां पहले फिल्म के ट्रेलर को 11 अगस्त को रिलीज किया जाना था तो अब ये ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद रिलीज होगा, जब फिल्म के रिलीज में सिर्फ 4 हफ्तों का गैप होगा। अकॉर्डिंग टू मेकर्स वो ऑडियंस से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि एक बार फिल्म का फर्स्ट लुक फैंस के सामने आ गया तो बस उसके बाद उन्हें हर दिन फिल्म को लेकर एक नई अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल अब फिल्म का ट्रेलर तो कंफर्म है, बस थोड़ा सा इंतजार और हमें दर्शन होंगे ऋतिक वर्सेस सैफ की वॉर के। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन
ना तो इनमें मरने का काम है ना मौत का खौफ। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, अच्छे और बुरे के बीच में तो फर्क करना आसान है, लेकिन यहां तो दोनों ही बुरे हैं। 2022 की मच अवेटेड विक्रम वेदा का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया और यकीन मानिए, ये टीजर नहीं देखा तो क्या ही देखा। 2017 में आई सुपरहिट तमिल फिल्म विक्रम वेदा में आर माधवन और विजय सेतुपति ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि लोगों के दिल जीत लिए। धमाकेदार टीजर के साथ ये तो कंफर्म हो गया कि ये फिल्म बहुत जल्दी सिल्वर स्क्रीन पर लौटने वाली है, मगर बिल्कुल नए अवतार और नए स्वैग में। तमिल मूवी विक्रम वेदा के हिंदी वर्जन में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान लीड रोल में है। इस मूवी से ऋतिक रोशन 3 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौट रहे हैं। वहीं देखा जाए तो ऋतिक की वापसी इस फिल्म से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। लगभग 1 मिनट 55 सेकंड का टीजर रोंगटे खड़े करने वाला है। टॉप लेवल का एक्शन, दमदार डायलॉग बाजी और थ्रिल से भरपूर ये टीजर सैफ और ऋतिक के फैंस के लिए एक बड़ी ट्रीट है। बात करें कैसा टीजर है तो यूपी के बैकड्रॉप पर तैयार इस फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की पावर पैक परफॉर्मेंस तो नजर आ रही है, लेकिन उनका लुक भी लाजवाब है। एक और जहां ऋतिक रोशन कुर्ते और सनग्लासेस में विलन के रूप में कहर ढा रहे हैं, तो वहीं पुलिस के अवतार में सैफ का इंटेंस लुक भी जबरदस्त है। ऋतिक का ये रॉ एंड रेगेड लुक आपको सीटियां बजाने पर मजबूर कर देगा। फिल्म की कहानी अच्छाई वर्सेस बुराई के तर्ज पर तैयार की गई है। जहां फिल्म में ऋतिक रोशन विलन तो वहीं सैफ अली खान पुलिस के रोल में नजर आए। टीजर देखकर यही लग रहा है कि ऋतिक अग्निपथ के बाद एक बार फिर ग्रे और नेगेटिव किरदार में नजर आने वाले हैं और वेदा के किरदार को उन्होंने आत्मसात किया है। टीजर लॉन्च के दौरान ऋतिक ने बताया कि ओरिजिनल फिल्म देखने के बाद से ही वो इस फिल्म को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब जाकर उनका ये सपना पूरा हुआ है। वहीं सैफ ऋतिक संग अपने काम करने के एक्सपीरियंस पर हंसते हुए कहते हैं कि काम के दौरान जो एक्सपीरियंस रहे हैं उस पर तो मैं पूरी किताब लिख डालूं। ऋतिक ने वेदा के स्वैग को खूबसूरती से पकड़ा है और सैफ अली खान के किरदार पर बेशक और पत्ते खुलने वाले हैं। ये तो ट्रेलर में ही पता चलेगा कि इंस्पेक्टर विक्रम बने सैफ वेदा को कितना कम्पीट कर पाते हैं। वही बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो टीजर में फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की झलक मिली जो ओरिजिनल फिल्म से ही ली गई है। बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से किरदार और भी इम्पैक्टफुल लग रहा है और काफी भयानक भी। देखा जाए दोस्तों तो मंगलवार को टीजर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जहां मूवी की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। ऋतिक और सैफ का अट्रैक्शन देखने लायक था। टीजर देखने के बाद क्रिटिक्स ने तारीफों के पुल बांधे। ऋतिक रोशन सैफ अली खान के काम को सराहा गया। अब जब फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है तो मुंह से बस यही निकलता है, व्हाट अ टीजर, सैफ और ऋतिक छा गए। विक्रम वेदा के टीजर को पब्लिक भी एपिक रिस्पांस दे रही है। फिल्म को अभी से ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है। अब आप ही सोचिए, जब फिल्म का टीजर इतना धमाकेदार है तो पिक्चर कितनी शानदार होगी। विक्रम वेदा की रिलीज का फैंस से इंतजार नहीं हो पा रहा है। मूवी 30 सितंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। मूवी में राधिका आप्टे, रोहित शरफ, शरीफ हाशमी, योगिता बिहानी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस मूवी के लिए पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, मगर उन्होंने मना कर दिया और बाद में ये रोल ऋतिक रोशन और सैफ अली खान को ऑफर हुई। वेल दोस्तों, आपको कैसा लगा टीजर? वेल मैं अपनी बात करूं तो मुझे टीजर में उतना कुछ मजा नहीं आया। वेल इसलिए क्योंकि मैंने फिल्म देखी है विक्रम वेदा, और इसलिए मुझे ये जो कैरेक्टर है, जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है या सैफ अली खान का कैरेक्टर है, उतना मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि विजय सेतुपति एक माइंड ब्लोइंग एक्टर है। उनकी एक्टिंग एक अलग लेवल पर है। हालांकि सैफ अली खान की बात करें तो उनके रोल में कुछ ज्यादा करने को नहीं है, तो उनका रोल थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही लगा। लेकिन ऋतिक रोशन के रोल में बहुत कुछ खेलने लायक था, और यहाँ ऋतिक रोशन थोड़ा बहुत मुझे अपनी परफॉर्मेंस, मतलब जो पहले हमने देखा है ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस, उससे थोड़े बहुत नीचे लगे। अब आपको क्या कहना है इसके बारे में? आपको कैसा लगा टीजर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख। विक्रम वेदा को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई थी? क्या विजय और माधवन को टक्कर दे पाएंगे हिंदी विक्रम वेदा? ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा इन दिनों खासी चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच कमल आर खान ने इस फिल्म को लेकर भविष्यवाणी की है और कहा है कि ये फिल्म फ्लॉप साबित होगी। उन्होंने तो इतना तक चैलेंज कर लिया कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलती है तो वो फिल्मों का रिव्यू करना बंद कर देंगे।
हाल ही में केआरके ने ट्वीट किया था और इसमें उन्होंने लिखा था, एक्टर ऋतिक ने एक बहुत ही बेहतरीन कमर्शियल मूवी को रिजेक्ट कर दिया और विक्रम वेधा करने के लिए वो राजी हो गए, जो एक अगर हम बात करें डिजास्टर साबित होगा। तो इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें कोई और जैसे जिम्मेदार हो सकता है। फिल्म रिलीज होने के बाद में अपने रिव्यू से सभी डिटेल्स दूंगा, लेकिन ऋतिक के लिए ये मेरा एक चैलेंज है। बता दें कि फिल्म इसी साल यानी कि सितंबर में रिलीज होगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये फिल्म बुरी तरीके से पिट गई तो ऋतिक को कैमरे के सामने कहना पड़ेगा कि उन्हें अच्छी और बुरी स्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं है। आपको बता दें कि ध्यान दे ऋतिक ने अगर हम बात करें खुद इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। बता दें कि साउथ की फिल्म में विजय सेतुपति और आर माधवन ने लीड रोल में किया है। इस फिल्म में जहां ऋतिक एक नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं, वहीं सैफ एक पुलिस के रोल में है। फिल्म में राधिका आप्टे भी नजर आएंगी। बॉलीवुड फेमस एक्टर ऋतिक रोशन और सैफ अली खान 2017 की तमिल सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में शानदार रोल्स में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। मूल फिल्म में पुलिस अधिकारी विक्रम के रोल में आर माधवन दिखाई दिए थे। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, विजय सेतुपति ने गैंगस्टर वेधा की भूमिका निभाई थी। अब वही हिंदी रीमेक में ऋतिक एक अगर हम बात करें गुंडे गवाली का किरदार निभाएंगे, जबकि सैफ एक इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हम सबको नजर आने वाले हैं। इन दोनों एक्टर्स के फिल्म से जुड़ने की पुष्टि ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने अपने एक ट्वीट के जरिए की है। अगर हम बात करें दोस्तों, एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड है। फिल्म में दोनों का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। इससे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान गैंगस्टर वेधा के किरदार में हम सबको देखने को मिल सकते थे, लेकिन सोर्सेस की माने तो आमिर ने अपना इसलिए जो नाम है उनको मना करवा दिया, जिसके बाद ऋतिक को इसमें शामिल किया गया। बॉलीवुड रीमेक को डायरेक्टर पुष्कर गायत्री द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इन्होंने ही तमिल फिल्म विक्रम वेधा का डायरेक्शन किया था। फिल्म की कहानी हमारे इतिहास की फेमस स्टोरी और पुरानी कहानी विक्रम बेताल के जैसी है, जिसमें कि विक्रम वेधा को जब भी पकड़ता है तो वो उसे कुछ ना कुछ कहानी सुनाकर उसके चंगुल से फरार हो जाता है। और ऐसा ही करीब पोस्ट्री बारे में अगर हुआ था तमिल और हिंदी वर्जन में इतनी बार की कहानियां तो सुनने में नहीं आई तो और ना ही अब आएंगी, लेकिन आर माधवन और विजय सेतुपति की एक्टिंग फिल्म में दर्शकों को काफी पसंद आई थी। ऐसे में एक्टर ऋतिक और सैफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो हिंदी रीमेक में अपनी एक अलग पहचान छोड़ेंगे, क्योंकि अब तक कितनी भी अगर हम बात करें तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक बने हैं, उनमें कैरेक्टर्स के अलावा कुछ नया देखने को नहीं मिला। और ऑडियंस जब एक नएपन अगर हम बात करें कि उम्मीद करती है, भले ही किसी भी वर्जन या लैंग्वेज का हिंदी रीमेक बने, लेकिन ये पुरानी अगर हम बात करें इसे कुछ अलग ही लिखी जाए जिसे ऑडियंस काफ़ी पसंद कर सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार होनी जो चाहिए रीमेक, क्या ये वाकई में होगी सुपर हिट? आपका क्या क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? क्या है टीजर की खास बातें? इसका लुक है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। कैसा है बैकग्राउंड म्यूजिक? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज।
दोस्तों आज तो ऋतिक के फैंस सातवें आसमान पर नजर आने वाले हैं क्योंकि उनकी मच अवेटेड फिल्म विक्रम वेदा का टीजर भी आउट हुआ है और फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस की गई है जो है 30 सितंबर। फिल्म के इस पावर पैक टीजर को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि ये फिल्म काफी अच्छी खासी एक्शन मूवी होने वाली है। दोस्तों इस टीजर में हम ऋतिक और सैफ दोनों को ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए देख सकते हैं और खास करके ऋतिक का। उनका लुक, उनकी एक्टिंग और उनका ये डार्क साइड देखकर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इस किरदार पर काफी मेहनत की है और सैफ का सीरियस लुक भी इसमें नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव बात है इस फिल्म की लाइन जो है द स्टोरी बिटवीन गुड एंड इविल, काफी कैची है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि विक्रम यानी सैफ और वेदा यानी ऋतिक में से कौन गुड है और कौन इविल है। साथ ही इस टीजर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी काफी अच्छा है और टीजर में दिखाए गए सीन्स के साथ काफी मैच भी हो रहा है। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है विशाल शेखर और साथ ही ओरिजिनल फिल्म के म्यूजिक कंपोजर सैम सीएस का स्कोर है। जितनी अच्छी ओरिजिनल फिल्म की बीजीएम थी उतनी ही अच्छी इस फिल्म की भी है। दोस्तों जहां इस 1 मिनट और 46 सेकंड के प्रोमो में हमें ऋतिक की आवाज, उनके सनग्लासेस, उनका वॉक, उनका मैसी और वेग्रस लुक अट्रैक्ट कर रहा है, वहीं सैफ का स्लोमो वॉक, उनका गन चलाने का स्टाइल, साथ ही उनका हीरोइक लुक भी कुछ कम नहीं है। दोस्तों टीजर की शुरुआत में हमें ऋतिक बोलते हुए सुनाई देते हैं एक कहानी सुनाए जो सुनते ही ऋतिक के फैंस को गूज़बम्प आना तो पक्का है। इस पर से ये देखा जा सकता है कि ये एक मैनिक गैंगस्टर और पुलिस वाले की कहानी है। विक्रम वेधा 2017 की सेम नेम तमिल लैंग्वेज नियो नोयर एक्शन थ्रिलर फिल्म का रीमेक है जिसके लीड थे आर माधवन और विजय सेतुपति। साथ ही इस फिल्म की कहानी इंडियन फोक टेल विक्रम और बैताल पर बेस्ड है जिसके डायरेक्टर और राइटर पुष्कर और गायत्री हैं और इसका स्क्रीन प्ले किया है नीरज पांडे ने और प्रोड्यूसर्स हैं वाई नॉट स्टूडियोज, जियो स्टूडियोज, टी सीरीज फिल्म्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट। दोस्तों कल हुए टीजर लॉन्च इवेंट में ये कहा गया है कि ये एक 35 डेज कैंपेन होगी और आज टीजर रिलीज के बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका ट्रेलर भी लॉन्च किया जाएगा। पहले आमिर की लाल सिंह चड्ढा के साथ इस टीजर को अटैच करके लॉन्च करने का प्लान बनाया गया था लेकिन लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट गैंग के निशाने पर थी और इस फिल्म का हाल काफी बुरा रहा है, इसीलिए इस आइडिया को ड्रॉप किया गया और टीजर आज लॉन्च किया गया। दोस्तों इस फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान लीड रोल में हैं। उनके साथ राधिका आप्टे, रोहित सर्राफ और योगिता बिहानी का भी एक अहम रोल होने वाला है। इनमें से हम रोहित सर्राफ की एक झलक टीजर में देख सकते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो ऋतिक के काफी करीब है। साथ ही इस टीजर के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की डूबती नैया को यही फिल्म पार लगाएगी और टीजर में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं थे जिसे देखकर उसकी बुराई की जाए। ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इस फिल्म में पहली बार ऋतिक और सैफ का ड्यूओ नजर आएगा और साथ ही ऋतिक 3 सालों के बाद बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस फिल्म का कैसा रिस्पॉन्स रहता है। क्या आपने इस फिल्म का ये टीजर देखा? अगर देखा है तो इस पर अपने ख्याल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और नहीं देखा है तो फिर देर किस बात की, जल्दी जाइए और तुरंत देख कर आइए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार। रास्ते से हट जा। जो सीखा है आपसे सीखा है। विक्रम वेदा फिल्म में विक्रम को क्यों कास्ट किया गया था? क्या वेदा की कहानी हिस्ट्री के बेताल जैसी है? वेदा कौन सी कहानी सुनाएगा विक्रम को?
हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फिल्म विक्रम वेधा का तमिल वर्जन को लिखने वाली डायरेक्टर की जोड़ी पुष्कर गायत्री ने बताया कि आखिर उन्होंने अपनी हिंदी वर्जन के विक्रम वेधा की कहानी के लिए ऋतिक रोशन को क्यों चुना है और ऋतिक रोशन अपने को स्टार सैफ अली खान के साथ विक्रम वेधा फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। और इसीलिए गायत्री ने बताया कि 2017 में तमिल वर्जन को देखकर सबसे पहला कॉल बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का आया था और उन्होंने इस फिल्म की बहुत तारीफ भी की थी क्योंकि वो फिल्म की सोल को समझ पाए थे और उन्होंने बदले में ऋतिक की तारीफ भी की और उन्होंने बताया कि ऋतिक एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर हैं जो बड़े पर्दे पर हमेशा अपनी नज़र बनाए रखते हैं और हर प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने पर काम करते हैं क्योंकि गायत्री और ऋतिक अगर किसी एक पॉइंट पर सहमत नहीं भी होते हैं तो भी इन दोनों में आपसी मतभेद नहीं होता था क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने कहा कि उन्हें ऋतिक जैसे एक्टर के साथ काम करके बड़ा मजा आया क्योंकि वो बाकी एक्टर की तरह बिहेव नहीं करते और अगर कोई बात समझानी भी पड़ती तो वो बड़े आराम से सुनते थे। और अब डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी हिंदी वर्जन विक्रम वेधा में कितना कमाल दिखाते हैं ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। विक्रम वेधा की कहानी तो हम सब बचपन से ही हमारी दादी नानी से सुन चुके हैं या किताबों में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के युग में वेधा मतलब बेताल कैसा हो सकता है या हिस्ट्री के बेताल से रिजेंबल करता है ये तो जब हम फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री को जानना जरूरी है। प्राचीन काल में बेताल एक्चुअली में एक ब्राह्मण लड़का होता है जिसको एक बुरा इंसान मारना चाहता है क्योंकि उसको मारने से उसकी पावर बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे उस ब्राह्मण लड़के को इसके बारे में पता चलता है वो भागकर एक जंगल में चला जाता है और उसको वहां एक भूत मिलता है और उसको बचाने के लिए अपनी पावर उस ब्राह्मण पुत्र को देता है और उसको पेड़ से लटकने के लिए कहता है और बताता है कि जब तक वो उस पेड़ से उल्टा लटका रहेगा तो उसे कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन हमारी आज की दुनिया में बेताल इसके ठीक उल्टा दिखाया गया है, जैसा तमिल वर्जन में वेधा को एक जिद्दी रूप में गुंडागर्दी करते दिखाया था जो एक तरफ अपने भाई पुनीत से बहुत प्यार भी करता था और उसे अपनी गंदी दुनिया से बचाकर भी रखता था लेकिन खुद गलत काम करना नहीं छोड़ता और विक्रम को भी हर बार उलझा देता है। और तमिल वर्जन देखकर भी यही लगता है कि हिंदी वर्जन की इस फिल्म में बेताल पहले वाले कैरेक्टर से भी ज्यादा चालाक होगा और खतरनाक भी होगा, लेकिन विक्रम की पकड़ में आएगा या नहीं ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। बेताल पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बोर होता है या जो उसको पकड़ने आए विक्रम उसके साथ कहानी कहानी खेलता है, शायद नहीं क्योंकि बेताल चाहता है कि उसकी जान बच जाए और इसीलिए वो विक्रम को हर कहानी में उलझाता है और इस तरह वो 25 कहानियां सुनाता है और उतनी बार ही बच जाता है। लेकिन आज के युग की कहानी कुछ और ही होगी, जैसे कि तमिल विक्रम वेधा में जब पहली बार विक्रम जाकर वेधा को फाइनली पकड़ता है तो वेधा एज यूजुअल उसको अपनी बातों में लेकर एक सवाल का जवाब देने को कहता है और खुद की कहानी सुनाता है कि वो एक अच्छा इंसान बनकर रहे और अपने भाई पुनीत को बचाए या एक रौबदार और गुंडा बनके अपने भाई की सुरक्षा करे। ऐसे में विक्रम उसी हिसाब से जवाब देता है और विक्रम को इमोशनल भी कर देता है और चकमा देकर भाग जाता है। और पुष्कर गायत्री के हिंदी वर्जन फिल्म में भी वेधा ऐसी ही कोई ना कोई कहानी सुनाकर बच निकलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार विक्रम इमोशनल ना होकर वेधा को बेवकूफ बनाकर उसे पकड़ पाएगा? डू कमेंट एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख ना, तो इनमें मरने का काम है। क्या विक्रम वेधा हुए जीले? क्यों ट्विटर पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं फैंस और क्या है फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट? हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं हूं पुण्य मारा। आज फिर मेरे हाथ लग चुकी है फिल्म विक्रम वेधा से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन्हें हम बचपन से सुनते हुए बड़े होते हैं, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी और प्यासे कौए की कहानी।
आप सभी ने ये कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन सीख देने वाली कहानियों के अलावा हमने बचपन में भूत प्रेतों की कहानियां भी बहुत सुनने को मिलती थी, जिनसे हम सच में बहुत ज्यादा डर भी जाते थे, लेकिन सुनने में मजा भी उतना ही आता था। ऐसी ही एक कहानी थी विक्रम और बेताल की, जिसमें एक बहादुर विक्रम नाम का राजा बेताल भूत को पकड़ने निकलता है और बेताल हर बार चालाकी से उससे दूर भाग जाता है। बट जैसे जैसे समय बदला, हमारे बचपन की कहानियां भी धुंधली होने लगी। फिर एक दिन एक फिल्म मेकर ने एक बार फिर हमारे बचपन की उस डरावनी कहानी को हमारे सामने रखने का फैसला किया और हमारे सामने आई विक्रम वेदा की कहानी। हालांकि मॉडर्न टाइम में ये कहानी थोड़ी मॉडर्न और एडवांस जरूर हो चुकी है, पर कहानी का वो पागलपन और रोमांच आज भी उतना ही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आने वाली एक्शन एडवेंचर फिल्म विक्रम वेदा की, जो असल में इसी नाम से आई एक तेलुगु फिल्म की ऑफिशियल रीमेक होने वाली है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी पुष्कर गायत्री ही कर रहे हैं, जिन्होंने तेलुगु फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। प्रीवियस फिल्म में विक्रम के रोल में हमें आर माधवन और वेदा के रोल में हमें साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति देखने को मिले थे। एंड ऑब्वियसली विजय सर ने अपने नेगेटिव कैरेक्टर को इतनी बखूबी से निभाया था कि आप सच में उनके फैन हो जाओगे। अब इसकी हिंदी रीमेक में विक्रम के रोल में हमें सैफ अली खान और वेदा के रोल में हमें ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं। है ना काफी एक्साइटिंग न्यूज। मेकर्स ने इससे पहले फिल्म में ऋतिक के लुक को भी शेयर किया था, जो सच में काफी बैडएस लग रहा था। साथ ही हमें फिल्म में विक्रम की वाइफ के रोल में राधिका आप्टे भी नजर आने वाली है। लेकिन अब जब फिल्म के रिलीज होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो फैंस इसके टीजर और ट्रेलर की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म को सितंबर मंथ में रिलीज किया जाना है और अभी तक इसका कोई मोशन पोस्टर तक रिलीज नहीं हुआ है। अब ऐसे में ट्विटर पर फैंस की भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मैक्सिमम फैंस ये कह रहे हैं कि हमसे और वेट नहीं हो रहा है, हमें फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई ग्लिम्स तो चाहिए ही। अब कुछ फैंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि फिल्म फॉर श्योर डिले होने वाली है, क्योंकि मेकर्स नए एक्टर्स के साथ विजय और माधवन जैसी केमिस्ट्री मैच नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है, यानी ऑफिशियली फिल्म अभी भी 30 सितंबर को ही रिलीज होने के लिए तैयार है। फिलहाल फैंस के इंतजार का सबसे बड़ा रीजन ऋतिक है, क्योंकि हम पहली बार किसी फिल्म में ऋतिक को एक नेगेटिव रोल में देखने वाले हैं, और वो भी एक ऐसे कैरेक्टर में जिसे फैंस ऑलरेडी ही विजय सेतुपति को प्ले करते हुए देख चुके हैं। ऐसे में दोनों के बीच कंपैरिजन होना तो लाजमी है। तो चलिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ऋतिक विजय की परफॉर्मेंस से कम्पीट कर पाएंगे, और अगर नहीं तो क्या फिल्म में ऋतिक की जगह आप किसी और एक्टर को वेदा के रोल में देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख। क्या विक्रम वेधा के सपोर्ट में आए फैंस? क्या ट्विटर पर चल रहा है बॉयकॉट वर्सेस फैन वॉर? क्यों वायरल हो रहा है अवेटिंग रोल ऑफ विक्रम वेधा चैनल? Hi guys, welcome back to your favorite YouTube channel Bollygrad Studios. मैं हूँ अंशिका वर्मा, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, और लेकर आई हूँ आप सभी के लिए विक्रम वेधा से जुड़ी कई नई लेटेस्ट अपडेट्स। So वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से बॉलीवुड से दो शब्द ऐसे चिपक गए हैं जैसे चाशनी से चींटी और स्मार्टफोन से हम। नहीं नहीं, ये कोई सार्केज्म नहीं था, बल्कि यही फैक्ट है। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड रीमेक्स और बॉयकॉट जैसे दो शब्दों का बोझ अपने साथ लेकर चल रहा है। ऐसा लगने लगा है कि या तो बॉलीवुड में नई स्टोरीज का अकाल पड़ गया है, या मेकर्स रीमेक को बनाने में ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो नई स्टोरीज बनाकर रिस्क लेने से शायद डर रहे हैं।
बस आप एक फेमस फिल्म की राइट्स ले ले, उसे हूबहू वैसा ही ऑडियंस के सामने परोस दे और लो हो गया बिजनेस। लेकिन अब ऑडियंस ने इस रीमेक चेन से भी निपटने का तरीका ढूंढ लिया है। जी हाँ, और अब यहाँ एंट्री होती है सेकंड फाइटर हैशटैग बॉयकॉट की। ट्विटर पर हमें आजकल ये बॉयकॉट हैशटैग काफी हलचल करता हुआ नजर आ रहा है। जब भी फैंस को किसी फिल्म से शिकायत होती है या नाराजगी होती है, वो बस उस फिल्म को बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो रीमेक हो या ओरिजिनल फिल्म ही क्यों ना हो, ट्विटर आए दिन किसी न किसी बॉयकॉट हैशटैग से घिरा ही रहता है। अभी हाल ही में बॉयकॉट रक्षाबंधन और बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा काफी ज्यादा वायरल हुआ था। नेटिजंस ने एक्टर के किसी कमेंट की वजह से फिल्म को टारगेट किया था और इस बॉयकॉट का असर अगर किसी को सबसे ज्यादा हुआ था तो वो हुआ था आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुई थी और 180 करोड़ के बड़े बजट में बनी ये फिल्म अपने मेकिंग मनी को भी कवर अप नहीं कर पाई है। इन दोनों फिल्मों के साथ शाहरुख की पठान भी नेटिजंस के टारगेट पर रह चुकी है। अभी कुछ टाइम पहले ऑडियंस शाहरुख की आने वाली फिल्म पठान को बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन एसआरके के फैंस की वजह से इस फिल्म के बॉयकॉट हैशटैग को ज्यादा हवा नहीं मिल पाई और ये फिल्म बॉयकॉट होने से बच गई। और अब ऐसा ही केस देखने को मिल रहा है ऋतिक और सैफ स्टारर विक्रम वेधा के साथ। असल में अभी हाल ही में ऋतिक ने अपने एक ट्वीट में आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को सपोर्ट करते हुए फैंस से उसे देखने की डिमांड की थी, तो ट्विटर पे कई यूजर्स इसे नेगेटिव वे में शो करने लगे और लाल सिंह चड्ढा को सपोर्ट करने की वजह से उनकी फिल्म विक्रम वेधा को भी एक रीमेक का टैग देकर बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हैशटैग बॉयकॉट विक्रम वेधा ट्विटर पर काफी ज्यादा वायरल भी होने लगा। पर वो कहते हैं ना, जब कोई एक हाथ छोड़ता है तो दूसरा थाम लेता है, तो बस कुछ ऐसा ही हुआ विक्रम वेधा के साथ भी कि पिछले कुछ दिनों में फैंस फिल्म के सपोर्ट में खड़े होने लगे और अवेटिंग फॉर रोल ऑफ विक्रम वेधा के बोल्ड टाइटल से कई ट्वीट सामने आने लगे। हालांकि ये फिल्म एक रीमेक है, लेकिन फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फिल्म में ऋतिक का बैडेस लुक और सैफ के साथ स्क्रीन शेयरिंग को आखिर कौन ही मिस करना चाहेगा। इसीलिए यही रीजन है कि ऋतिक की विक्रम वेधा की इतनी ज्यादा हाइप है। वेल, आप सब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप फिल्म के बॉयकॉट के फेवर में है या फिर फिल्म के सपोर्ट में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सीखा है आपसे सीखा है। और मैं आपकी हूँ सर दोस्त लीशा चोपड़ा, सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या विक्रम वेधा भी हो रही है बॉयकॉट। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बीते कुछ सालों से बॉलीवुड रीमेक के बोझ अपने ऊपर ऐसे लेकर चल रहा है जैसे कोई कछुआ। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है जो मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मेकर सिर्फ फैंस को उभार ही नहीं रहे बल्कि कछुए की तरह बॉलीवुड की रफ्तार भी धीमे धीमे जा रही है। आज के टाइम पर जब हम घर बैठे ही फिल्म और वेब शोज के मजे ले सकते हैं और ऑडियंस को वहाँ बेटर और यूनिक कंटेंट भी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली पब्लिक को थिएटर तक लाना वैसे भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर आपको एक बेटर कंटेंट की जगह पुरानी फिल्म ही रीमेक बनाकर बड़ी इस स्टारकास्ट को लालच देकर थिएटर बुलाया जाए तो क्या आप जाएंगे? शायद नहीं। और बस यही रीजन है कि फैंस अब फिल्मों के बायकॉट पर उतर आए हैं,
पहले लाल सिंह चड्ढा और अब विक्रम वेदा, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन यहाँ तक इससे कुछ दिन पहले ही ट्विटर पर फैंस का ये गुस्सा देखने को मिल रहा था कि आखिर फिल्म का कभी तक कोई भी टीजर या ट्रेलर हमें देखने को क्यों नहीं मिला। तो अब अलार्म ये है कि ऑडियंस फिल्म को बायकॉट करती नजर आ रही है। असल में फिल्म के एक्टर ऋतिक रोशन लास्ट वीकेंड अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आमिर की रिसेंटली रिलीज लाल सिंह चड्ढा देखने थिएटर पहुंचे। बट फिल्म देखकर बाहर आते वक्त मीडिया ने उन्हें स्पॉट कर लिया और फिल्म को लेकर उनके रिव्यू के लिए डिमांड करने लगे। हालांकि उस वक्त ऋतिक ने कोई भी कमेंट नहीं किया, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ऋतिक ने अपनी ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लाल सिंह चड्ढा को रिव्यू देते हुए लिखा कि अ जेम गाइस, इट्स अ जेम, और फिल्म को मैग्निफिसेंट बताया। उन्होंने फिल्म की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को साइड रखने को कहा और फैंस से इसे जरूर देखने की डिमांड की, क्योंकि उनका साफ कहना था डोंट मिस दिस जेम गाइस, गो गो नाउ। अब इसके बाद से ही फैंस की नाराजगी उनके आने वाली फिल्म के लिए नजर आने लगी है, क्योंकि फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद से ही कई बॉलीवुड स्टार फिल्म के सपोर्ट में आए और इसे देखने की डिमांड करते हुए भी नजर आए, और इसी वजह से ऋतिक की डिमांड को भी फैंस ने काफी नेगेटिव वे में लिया और ऋतिक के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उनकी आने वाली फिल्म को टारगेट करते हुए नजर आई हमारी ऑडियंस। साथ ही एक यूजर ने ये तक भी कहा कि हम इतने पैसे खर्च करके एक रीमेक को थिएटर में देखने क्यों जाए, जबकि हम इसकी ओरिजिनल फिल्म यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। और धीरे धीरे कई यूजर्स इसके सपोर्ट में खड़े हो गए और देखते ही देखते हैशटैग बायकॉट विक्रम वेदा ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। अब हालांकि दोनों ही चीजों में सही क्या है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि बॉलीवुड में दृश्यम, कबीर सिंह और सिंघम जैसी रीमेक भी रिलीज हुई है जो ओरिजिनल फिल्म से भी काफी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमारे सामने रख चुकी है। साथ ही फैंस को भी काफी पसंद आई, तो सिर्फ रीमेक का टैग से ही हम किसी फिल्म को जज नहीं कर सकते, बाकी डिसीजन आपका है। फिलहाल आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप फिल्म के बायकॉट के सपोर्ट में हैं या आप इसको अपोज करते हैं। मिलती हूँ आप जब मैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख ना, तो इनमें मरने का काम है। कब आ रहा है विक्रम वेदा का ट्रेलर? क्या 4 वीक्स प्रमोशनल स्ट्रेटजी अपनाएंगे मेकर्स? और क्यों इतना लेट आ रहा है फिल्म का ट्रेलर? नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। अभी जब लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन थिएटर्स में रिलीज हुई तो सबको उम्मीद थी कि हमें थिएटर्स में विक्रम वेदा का ट्रेलर देखने को मिलेगा, एटलीस्ट फिल्म का टीजर तो कंफर्म थिएटर में हमारा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म का ट्रेलर, टीजर, क्या एक छोटा सा मोशन पोस्टर भी हमसे शेयर नहीं किया गया। इसके बाद फैंस ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब मंथ के मिड में हमें ट्रेलर ऑनलाइन ही दिखेगा। सोशल मीडिया या यूट्यूब पर सबकी नजरें थी, लेकिन देखते देखते मिड मंथ भी निकल गया और अब हम मंथ के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बीच फिल्म ने बॉयकॉट को भी फेस किया और फिल्म को फैंस का सपोर्ट भी मिला, जिससे ये साफ जाहिर हुआ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है फैंस का एक्साइटमेंट अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। लेकिन 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 फिल्म से जुड़ी अब जो सबसे फ्रेश और कंफर्म न्यूज सामने आ रही है वो ये है कि मेकर्स इस बार फिल्म के ट्रेलर को लाने के लिए तैयार है, और सोशल मीडिया या यूट्यूब पर नहीं बल्कि डायरेक्ट थिएटर्स में। फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा 2 सितंबर यानी ब्रह्मास्त्र की रिलीज के साथ, मतलब थिएटर्स में फैंस को 2 ग्रैंड सरप्राइज से रूबरू कराया जाएगा। पहला विक्रम वेदा का ट्रेलर और फिर मच अवेटेड ब्रह्मास्त्र। बॉलीवुड के एक वेल नोन सोर्स के थ्रू ये खबर आई है कि फिल्म के मेकर्स लॉन्ग प्रमोशनल कैंपेन्स की जगह
शॉर्ट और क्रिस्प प्रमोशंस पर ध्यान देंगे। उनका प्रमोशनल कैंपेन 2 सितंबर से स्टार्ट होकर फिल्म के रिलीज डेट तक चलेगा, यानी लगभग 4 वीक्स, और इस बीच वो हर तरह से फिल्म को प्रमोट करेंगे ऑन ग्राउंड लेवल, ऑन सोशल मीडिया, इंक्लूडिंग फिल्म स्टार। हाँ, सैफ और ऋतिक फिल्म में ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी पहली बार साथ दिखेंगे, कई रियलिटी शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और अपने फिल्मी कैंपेन्स में। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि बेसिकली फिल्म के मेकर्स रोहित शेट्टी की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। आपने गौर ना किया हो लेकिन रोहित भी अपनी फिल्मों का कई महीनों पहले से प्रमोशन नहीं करते। जैसे अभी 4 महीने बाद ही उनकी सर्कस रिलीज होने वाली है, लेकिन बिग बजट फिल्म्स की तरह वो इसका प्रमोशन अभी से स्टार्ट नहीं करने वाले। सर्कस का प्रमोशनल प्लान भी नवंबर के लिए फिक्स है और बस इस बार यही स्ट्रैटेजी लेकर उतरेंगे विक्रम वेदा के मेकर्स। और यही वजह रही कि जहां पहले फिल्म के ट्रेलर को 11 अगस्त को रिलीज किया जाना था तो अब ये ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद रिलीज होगा, जब फिल्म के रिलीज में सिर्फ 4 हफ्तों का गैप होगा। अकॉर्डिंग टू मेकर्स वो ऑडियंस से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि एक बार फिल्म का फर्स्ट लुक फैंस के सामने आ गया तो बस उसके बाद उन्हें हर दिन फिल्म को लेकर एक नई अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल अब फिल्म का ट्रेलर तो कंफर्म है, बस थोड़ा सा इंतजार और हमें दर्शन होंगे ऋतिक वर्सेस सैफ की वॉर के। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख। इस कहानी में पापी कौन है? क्या वेदा का अंत भी बेताल जैसा होगा? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। विक्रम का बेताल को पकड़ने का संघर्ष लगातार जारी रहता है और एक बार फिर राजा विक्रम ने बेताल को पकड़ लिया और उसको अपने कंधे पर लाद कर शमशान की ओर ले चले। और रास्ते में बेताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनाना शुरू किया। काशी में एक प्रताप मुकुट नाम का राजा हुआ करता था और उसको एक बेटा था जिसका नाम था वज्र मुकुट। और वो एक दिन अपने किसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गया। काफी घूमने के बाद दोनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल खिले थे और हंस उड़ रहे थे, और वहां एक मंदिर भी था जहां दोनों ने दर्शन किए। और जैसे ही बाहर निकले तो देखा एक राजकुमारी भी तालाब के पास थी, जिसे देखकर वो राजकुमार काफी खुश हुआ और उसने राजकुमारी से एक कमल का फूल निकालने के लिए कहा। लेकिन राजकुमारी ने फूल निकाल कर अपने पैरों से कुचल दिया, जिसे राजकुमार को काफी दुख हुआ और उसने अपने दोस्त से कहा, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ये अब सुनकर दोस्त बोला, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि राजकुमारी ने सब बता दिया है कि वो कहाँ रहती है और उसका नाम क्या है। इतना सुनकर राजकुमार हैरान हुआ और वो पूछने लगा कि वो कैसे। तो दोस्त ने बताया, राजकुमारी ने फूल निकाल कर अपने कानों में लगाया, मतलब वो कर्नाटका से है, और अपने पैरों से कुचलने का मतलब था कि उसका नाम पद्मावती है। ये सब सुनकर राजकुमार ने कर्नाटका चलने को कहा और दोनों वहां चले गए। और वो किसी बुढ़िया के घर में उन्हें आसरा मिला और बातों बातों में पता चला कि वो बुढ़िया उसी राजकुमारी की पुरानी नौकरानी थी। इतना अब जानकर राजकुमार ने उस बुढ़िया से राजकुमारी तक एक मैसेज दिया कि वो उससे मिलना चाहता है, और दोनों मिले। लेकिन राजकुमारी भी समझ गई थी कि तब तक राजकुमार का दोस्त उसके साथ है, वो राजकुमार को अपने पास नहीं रख सकती, और उसने धोखे से उस दोस्त को मरवाना चाहा। लेकिन वो दोस्त काफी समझदार था, क्योंकि उसने राजकुमारी को ही उसके पिता के सामने गलत साबित किया और राजकुमारी को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इतना कहकर बेताल चुप हो गया और पूछा, बताओ राजा विक्रम, इस कहानी में पापी कौन था? राजा ने जवाब दिया कि असली पापी राजकुमारी का पिता था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अपनी बेटी को सजा दी। और इतना सुनकर बेताल वापिस उड़कर पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। ये सब कहानियां तो वैसे पुराने जमाने में हुआ करती थी,
लेकिन इस बार इस हिंदी रीमेक में कोई ना कोई ऐसी कहानी छिपी हुई होगी जिसको सुनकर विक्रम फिर नई उलझन में पड़ेगा और वेदा फिर उसके चंगुल से निकल जाएगा और वेदा को पकड़ने का सिलसिला भी जारी रहेगा। कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब जिससे वेदा इस बार बच ना पाए और विक्रम भी आसानी से अपना जवाब दे दे। तो इस बार शायद ऐसा ही होगा कि वेदा को पकड़ने फिर से विक्रम जाएगा, उसके हाथों को लॉक करेगा जैसा पुरानी कहानी में होता था कि विक्रम बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लटकाता था, ठीक वैसे ही इस बार वेदा फिर कहानी सुनाएगा और एक सवाल करेगा, लेकिन इस बार काला और हेडफोन का जैक लैपटॉप के वॉइस आउटपुट से कनेक्ट किया और दोनों हेडफोन बेचारे वेदा के कानों में लगा दिए जिससे उसको अपने सवाल का सही जवाब मिल जाए। लेकिन ये क्या बेताल यानी कि वेदा की तो सिट्टी पिट्टी गुम, उसका हाल ऐसा हुआ मानो काटो तो खून नहीं। और इस तरह ऑफिसर विक्रम आराम से वेदा को पकड़ पाएंगे क्योंकि विक्रम ने वेदा की शर्त भी मानी और उसको पकड़ भी लिया। और अगर इसी तरह का अंत अगर फिल्म में भी दिखाया जाए तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है क्योंकि असली विक्रम बेताल ने भी बेताल को पकड़ लिया था। तो दोस्तों इस बार आपको क्या लगता है, ऑफिसर विक्रम थोड़ी समझदारी दिखा पाएंगे? डू कमेंट ऑन अस एंड डू लाइक एंड शेयर दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? क्यों हुआ ऋतिक और एक रोड बैगर में कंपैरिजन? क्यों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बैगर? क्या है इस रोड साइड बैगर की कहानी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों एक जमाना था जब हम दुनिया की चटपटी खबरों और बॉलीवुड से जुड़ी नई अपडेट जानने के लिए मैगजीन्स पढ़ा करते थे। कौन सा बॉलीवुड एक्टर कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना हुआ है या किस एक्टर की नई मूवी रिलीज हो रही है, ये सारी जानकारी हमें न्यूज़पेपर या मैगजीन से मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया हम सोशल मीडिया की दुनिया में एंटर करते गए और अब कौन सा सेलिब्रिटी कब कहां जा रहा है, किस टाइम की शूटिंग में बिजी है या फिल्म सिटी में कौन सी नई गॉसिप चल रही है, ये सब हमारा स्मार्टफोन ही बता देता है। बस जरूरत है किसी सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग की और लो हो गए आप अपडेट। लेकिन सोशल मीडिया ने इस सारी पुरानी चीजों को हमारे सामने रखने के साथ ही एक नई चीज को भी इजाद किया है और वो है वायरल सेंसेशंस। जी हाँ, आए दिन कोई ना कोई कॉमन मैन या स्मॉल इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर वायरल होता ही रहता है और ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में भी सबसे पहले वो नाम आया ना, जैसे रानू मंडल, जोमेटो गाय, कैब ड्राइवर, कच्चा बादाम गर्ल, मिस्टर फैजू या कोई और, ऐसे कई लोग जो या तो एक कॉमन पीपल थे या कोई स्मॉल इन्फ्लुएंसर, लेकिन सोशल मीडिया की पावर ने इन्हें पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। किसी को इस वायरल चैन से फायदा हुआ तो किसी को भारी नुकसान। अब फिलहाल दोनों की तरह लोगों को आप जानते ही हैं, तो मैं नाम तो नहीं लेने वाला लेकिन काफी कम लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड सेलेब्स के अराउंड आने की वजह से ही सुर्खियों में आ गए हैं। इनमें से एक है बाबा जैक्सन, हाँ एक स्मॉल टिकटॉक इन्फ्लुएंसर जिसको अपने डांसिंग टैलेंट की वजह से कई बॉलीवुड सेलेब्स की तारीफें मिली और आज बाबा जैक्सन की इंस्टा पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन अब एक बार फिर एक कॉमन मैन बॉलीवुड सेलेब्स की वजह से सुर्खियों में आता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक इंसान काफी वायरल हो रहा है और कमाल की बात यह है ये कोई इन्फ्लुएंसर या टैलेंटेड कॉमन मैन नहीं बल्कि सिर्फ एक रोड साइड बैगर है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बैगर की पिक खूब वायरल हो रही है और पब्लिक इसके लुक को कई बड़े स्टार्स से कंपेयर कर रही है और इसके पीछे का रीजन है इसके लॉन्ग हेयर, बिग बियर्ड और विद गूगल्स लुक। असल में कवलजीत सिंह बेदी नाम के एक ट्विटर यूजर ने ये फोटो पोस्ट की और इसमें विक्रम वेदा के ऋतिक और आदित्य रॉय कपूर से सिमिलर बताया और बस इसके बाद से ही ये ट्वीट वायरल होने लगा। अबाउट 20,000 लाइक्स और थाउजेंड्स ऑफ रीट्वीट के साथ यूजर इसे कई अलग अलग एक्टर से सिमिलर बताने लगे। एक यूजर ने लिखा कि मुझे लगा ये मलंग 2 की शूटिंग चल रही है। वहीं
कई यूजर ने इसे विक्रम वेदा के ऋतिक रोशन से कंपेयर कर डाला। एक यूजर ने यहां तक लिख दिया कि ये ऋतिक भाई रोड पे पार्ट टाइम वर्क भी करने लगे क्या। साथ ही कई यूजर ने इस बैगर को रियल लाइफ पुष्पा भी कहा। एक यूजर ने लिखा कि लो पुष्पा 2 का नया लुक बाहर आ गया। असल में ना जाने कितने कमेंट्स की वजह से ये बैगर सुर्खियों में बना हुआ है। फिलहाल आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको इसका लुक किस एक्ट्रेस के सिमिलर लग रहा है। और देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और सटीक ना तो इनमें मरने का काम है। क्या विक्रम वेधा के टीजर ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट? क्या ऋतिक ने चुरा ली सारी लाइमलाइट? क्या ऋतिक के सामने फीके पड़े सैफ अली खान? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाट। तो दोस्तों, जिसका बेसब्री से इंतजार था आखिरकार वो टाइम आ गया और विक्रम वेधा के रीमेक का टीजर रिलीज हुआ है। आपको बता दें साउथ की ये फिल्म है जिसका रीमेक है। माधवन और विजय सेतुपति नजर आए थे। अगर हम साउथ वाली विक्रम वेधा की बात करें तो यहाँ पर था माधवन वर्सेस विजय सेतुपति, दोनों बराबर की टक्कर के थे। लेकिन अब जो हिंदी वाली विक्रम वेधा आई है उसका टीजर जो आया है उसमें सारी लाइमलाइट ले गए हैं ऋतिक रोशन। फिर चाहे उनके डायलॉग्स हो, लुक हो या फिर उनका एक्सेंट, सब कुछ इतना सटीक, इतना सुपर्ब कि उन्होंने पूरी लाइमलाइट छुड़ा ली है। एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं टीजर में खतरनाक। फिल्म जो है वो अबू धाबी में शूट की गई है लेकिन ऐसा सेट बनाया गया है कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि अबू धाबी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें बैकग्राउंड म्यूजिक ने भी अच्छी खासी जान डाली है पूरे टीजर में। विशाल शेखर का म्यूजिक है जिसने कि चार चांद लगा दिए हैं। एक सीन आता है जहां पर सैफ के सामने ऋतिक रोशन नजर आते हैं। ये आमने सामने वाला मोमेंट भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ऋतिक रोशन के लुक की बात करें तो बियर्ड लुक में नजर आ रहे, एकदम धांसू और कहीं ना कहीं सुपर 30 की याद दिला रहे जिस तरह से उनका एक्सेंट है और लुक है। वही दोस्तों, आपको बता दें सैफ अली खान थोड़े से नॉर्मल लगे हैं लेकिन हो सकता है फिल्म में वजनदार हो। पुष्कर गायत्री ही इसे डायरेक्ट करें जिन्होंने साउथ में डायरेक्ट किया और डायरेक्शन के जरिए वो इसे अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। जो गलती साउथ की विक्रम वेधा में हुई है वो यहाँ नहीं दोहराई जाएगी। सैफ का लुक नॉर्मल है, ऋतिक रोशन कड़ी टक्कर दे रहे हैं सैफ अली खान को। वही दोस्तों, ये तो सिर्फ टीजर है, एक हफ्ते बाद ट्रेलर आना बाकी है। टीजर में हमें सैफ और राधिका आप्टे के बाद टच, वही टीजर में हमें सैफ अली खान और राधिका आप्टे के बीच एक रोमांटिक सीन भी देखने को मिला है। और राधिका जिसमें भी होती है कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग लेकर ही आती है, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। 30 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होगी। फिल्म में एक डायलॉग भी सुनने को मिला टीजर के जरिए जिसमें कहा गया ऋतिक रोशन द्वारा, अच्छे बुरे में चुनना तो आसान होता है लेकिन इस कहानी में दोनों ही बुरे हैं। अब जिस एक्सेंट में वो बोल रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। उसके बाद रावण जलता हुआ दिख रहा है। अगर हम पूरे टीजर की बात करें तो एक्टिंग, लुक, BGM हाईलाइट है टीजर की। 5 में से 4 स्टार्स मिलते हैं क्योंकि अभी ट्रेलर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसमें डायलॉग भर भर के होने चाहिए, एक्शन सीक्वेंस भर भर के होने चाहिए, ऋतिक और सैफ को ज़्यादा स्पेस मिलता दिखना चाहिए। अब देखना होगा ट्रेलर कितना बड़ा तहलका मचाएगा। आपको कितना इंतजार है विक्रम वेधा का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। उमर से फरना। कौन है आप?
सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? ना तो इनमें मरने का काम है। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ऋतिक रोशन का एक्स्ट्रा अंगूठा खटकता है? विक्रम वेदा का टीजर देखने के बाद आप लोगों को भी यही लगता है कि विजय सेतुपति ऋतिक रोशन से बेटर थे? और क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि ये तो साउथ फिल्मों की रिमेक है, मतलब कि अब बॉलीवुड के पास कुछ भी नया नहीं है, अब वो सिर्फ साउथ फिल्मों की रिमेक बना रही है? तो आइए जानते हैं इन तीनों सवालों का जवाब। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेदा का ट्रेलर 2 दिन पहले आया। यह फिल्म पुष्कर गायत्री की इसी नाम से बनी तमिल फिल्म का रिमेक है। ट्रेलर आने के बाद से ही ऋतिक की तुलना विजय सेतुपति से होने लगी और फिल्म के रिमेक होने पर भी सवाल है, क्या ये दोनों सवाल जायज है और एक ऐसी चीज जिस पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं? वेदा बने ऋतिक रोशन का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से लोग टकटकी लगाए विक्रम वेदा फिल्म के टीजर ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। इस इंतजार के कारण भी कई थे। एक तो ऋतिक फिल्म में खूंखार गैंगस्टर टाइप का किरदार निभा रहे हैं, ऊपर से वो सैफ अली खान जैसे दमदार एक्टर के साथ पैरेलल लीड में हैं, और विक्रम वेदा इसी टाइटल से बनी एक जोरदार तमिल फिल्म का हिंदी रिमेक है। हिंदी फिल्म को डायरेक्ट भी पुष्कर गायत्री ने किया है, जिन्होंने तमिल फिल्म बनाई थी। बुधवार को जब विक्रम वेदा का टीजर आया तो लोगों की एक्साइटमेंट उबाल मार गई। नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे में ही यूट्यूब पर बॉलीवुड का सबसे ज्यादा लाइक किया गया टीजर बन गया। सोशल मीडिया का माहौल बनता है कि अधिकतर लोगों को टीजर पसंद भी आया। लेकिन चूंकि ऋतिक वाला किरदार तमिल विक्रम वेदा में विजय सेतुपति जैसे एक्टिंग स्कूल कहे जाने वाले एक्टर ने निभाया था, इसीलिए दोनों एक्टर्स में तुलना भी शुरू हो चुकी है। विक्रम वेदा टीजर में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन को कुछ को लगता है कि वेदा का किरदार विजय सेतुपति से बेहतर ऋतिक रोशन कहां निभा पाएंगे। वहीं कुछ को इस बात से समस्या है कि बॉलीवुड एक और साउथ की फिल्मों का रिमेक बना रहा है। लेकिन इन सारी चर्चाओं से पहले विक्रम वेदा हिंदी वाले की टीजर में एक अनोखी चीज भी है जिस पर लोगों की नजर शायद कम ही गई। ये चीज है ऋतिक रोशन के एक बॉडी फीचर का यूज, यानी उनका एक्स्ट्रा अंगूठा या उनके दाएं हाथ की 6 उंगलियां। ऋतिक रोशन के एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, ये बात अभी सभी को पता है। उन्हें सुपरस्टार बना देने वाली फिल्म कोई मिल गया में भी कुछ एक जगह उनकी 6 उंगलियों की झलक मिल जाती है। हमारे आसपास की दुनिया में हाथों या पैरों में इस तरह एक्स्ट्रा उंगली का होना एक खामी जैसा देखा जाता है। यहाँ तक कि कुछ अंधविश्वासी लोग इसे बैड लक यानी कि बुरी किस्मत से भी जोड़ देते हैं। हालांकि 2014 में एक पब्लिकेशन के सर्वे में ऋतिक को 4थी बार एशिया का सबसे सेक्सी पुरुष वोट किया गया तो उन्होंने कहा था कि इस एक्स्ट्रा अंगूठे को वो लकी मानते हैं। अपनी फेसबुक पोस्ट में ऋतिक रोशन ने लिखा, मैं लकी हूं इसलिए नहीं कि मुझे सबसे सेक्सी वोट किया गया, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने नोटिस किया कि भगवान ने मुझे एक पीस ऑफ अंगली यानी बदसूरती का टुकड़ा दिया अपने साथ कैरी करने के लिए, ताकि मैं खुद को और दूसरों को याद कर सकूं कि इम्परफेक्शन यानी कि अधूरापन हमें कितना खूबसूरत बनाता है। मेरा अंगूठा स्कूल में लोगों को मुझसे दूर करता था, आज मैं उन लाखों के लिए पोस्ट कर रहा हूं जो मेरे जैसे हैं, खूबसूरती के साथ इम्परफेक्ट। हालांकि ऋतिक ने अपने एक्स्ट्रा अंगूठे को छिपाने की कभी कोई जाहिर कोशिश नहीं की, फिर भी तगड़े फिल्मची लोग ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि ऋतिक की पिछली फिल्मों में उनके दाएं हाथ को जानबूझकर छिपाने की एक कोशिश की गई है और वो नजर भी आती है, जैसे कि धूम 2 में जब ऋतिक रोशन का किरदार एक मैग्नेटिक डिवाइस का टेस्ट करते हुए कोल्ड ड्रिंक की कैन पकड़ता है तो वो अपना बायां हाथ इस्तेमाल करता है, जबकि कॉमन जानकारी है कि वो राइट हैंडेड है यानी कि दाएं हाथ से ज्यादा काम लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक सीन वॉर में भी था। इस सीन में ऋतिक अपना दाया हाथ जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार डिवाइस का साइज बड़ा था और फिर उनका वो एक्स्ट्रा अंगूठा इसके पीछे छिप जाता है। ऐसे में कई सीन आपको ऋतिक की कई पिछली फिल्मों में मिल जाएंगे। विक्रम वेदा के टीजर में ये एक चीज बदलती दिखी। टीजर के पहले सीन और आखिरी सीन में ऋतिक का ये एक्स्ट्रा अंगूठा आपको फ्रेम में साफ दिखेगा, बल्कि विक्रम वेदा टीजर के सीन में जब ऋतिक टेबल पर सैफ के आगे रखे गिलास को सरकाते हैं तो उनके पास पूरा चांस था कि वो सिर्फ अपने बाएं हाथ से ऐसा कर सकते थे, लेकिन उस पूरे फ्रेम को देखकर यही लगता है कि जैसे पुष्कर और गायत्री चाहते थे कि ऋतिक का अंगूठा जरूर कैप्चर हो। टीजर से ही पता चल रहा है कि ऋतिक के किरदार में वो डार्क शेड है जो अभी तक उनके निभाए किरदारों में नहीं दिखे हैं। वैसे देखा जाए तो ऋतिक रोशन ने स्क्रीन पर आतंकवादी का किरदार भी निभाया, लेकिन डार्क होना और नेगेटिव होना दो अलग बातें हैं। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेगेटिव किरदार तो बहुत किए, मगर रमन राघव 2.0 जितने डार्क वो दिखे वैसा रोल और किसी में नहीं दिखा। जितना विक्रम वेदा के टीजर में दिख रहा है उस हिसाब से ये फिल्म ऋतिक का स्क्रीन पर सबसे डार्क मोमेंट है, और ऐसा लगता है कि उनके किरदार के वीकेंड यानी शैतानी या सनकी टोन को दिखाने के लिए पुष्कर गायत्री ने उनके एक्स्ट्रा अंगूठे को एक एलिमेंट बना लिया है। मतलब जिसने भी तमिल विक्रम वेदा देखी और कहानी जानते हैं तो वो इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह की थ्रिल फिल्म में ये साइकोलॉजिकल वाली गेम कितनी दिलचस्प लगेगी, क्योंकि एक मेजोरिटी जनता के मन में हाथ में एक्स्ट्रा उंगली के साथ जुड़ी ये विकेट वाली फीलिंग पहले से सेट है।
विक्रम वेदा का टीजर देखने के बाद बहुत लोग ऋतिक और विजय सेतुपति में तुलना कर रहे हैं। विजय एक्टिंग के क्राफ्ट में कितने पहुंचे हुए कलाकार हैं, इस पर घंटों बात की जा सकती है। ऋतिक की परफॉर्मेंस भी समय के साथ कितनी मंझ रही है, इसका एक सबूत है सुपर 30। बच्चों का रिजल्ट आने के बाद उनका रोने वाला सीन, मतलब सुपर 30 के ट्रेलर में ऋतिक के मेकअप और एक्सेंट में खार खाए लोग भी फिल्म के इस सीन में ऋतिक की तारीफ करने लगे। तमिल विक्रम वेदा में विजय सेतुपति, वेदा के किरदार में विजय और ऋतिक की परफॉर्मेंस में एक बड़ा अंतर साफ नजर आता है। ये अंतर दोनों के एक्टिंग टैलेंट का नहीं है, बल्कि दोनों की पर्सनैलिटी से कैरेक्टर को मिल रहे गुणों में है। एक एक्टर की परफॉर्मेंस में उसकी फिजिकैलिटी का एक बड़ा रोल होता है। विजय अपने अपीयरेंस में कतई कन्वेंशन नहीं है और स्क्रीन पर वो हीरो वाले फॉर्मूला से बिल्कुल अलग है। जब वो खुखार टाइप का किरदार निभाते हैं तो उनकी बॉडी और बॉडी लैंग्वेज इससे ज्यादा खतरनाक बना देती है, जैसा कि हाल ही में आपने विक्रम में देखा होगा। उनका एकदम साधारण दिखना और अचानक से हिंसक हो जाना एक जोरदार कॉन्ट्रास्ट है। बहुत लोगों का कहना है कि विजय सेतुपति जब वेदा बने तो एक सटल एलिमेंट भी था, जबकि ऋतिक गुंडई का टशन मार रहे हैं। समझाना यह है कि ऋतिक के केस में उनकी फिजिकैलिटी अलग तरीके से डार्क कैरेक्टर को कंट्रास्ट देगी। उनका अपना एक अलग स्वैग है, इसीलिए जब सेम किरदार वो निभाएंगे तो उसका रंग अलग निकलेगा। ऋतिक बिना शक वो बहुत हैंडसम है, इसीलिए उन्हें इस तरह का भयानक एक्ट करते देखना उनके एक स्टाइल आदमी के तौर पर देखते आ रहे दर्शक को अजीब लगता है। सुपर 30 के टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वेल, बॉलीवुड की विक्रम वेदा पूरी तो अभी तक किसी ने नहीं देखी, इसीलिए ऋतिक की परफॉर्मेंस को अभी से अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन बिना फिल्म देखे उसके किरदार को विजय से तुलना करना या आलोचना करना भी गलत है। याद रखें कि लोगों को अर्जुन रेड्डी भी विजय देवरकोंडा और कबीर सिंह शाहिद कपूर दोनों का काम अपने अपने तौर पर बेहतरीन लगा था। ये तो रहा पहला सवाल तुलना वाली। अब अगर बात करें दूसरे सवाल की, मतलब कि एक और साउथ रीमेक। सोशल मीडिया पर अचानक से बॉलीवुड फिल्मों की एक और आलोचना शुरू हो गई है, जिसका सेंटर होता है कि ये तो साउथ का रीमेक है, इसमें दिक्कत क्या है। सिंघम, तेरे नाम, गजनी कोई हल्की फिल्म नहीं थी, जबकि ये सभी साउथ फिल्मों का रीमेक थी। साउथ की बहुत सारी बेहतरीन कहानियां ऐसी हैं जो हिंदी सिनेमा देखने वालों ने नहीं देखी। ऐसी बहुत सारी कहानियां रीजनल लैंडस्केप से जुड़ी होती है और शहर इनमें किसी किरदार की तरह होता है। तमिल विक्रम वेदा में गैंगस्टर का ड्रग बिजनेस शिप्स और डॉकयार्ड पर काम करने वाले लोगों में बहुत गहरा जुड़ा था। हिंदी विक्रम वेदा में कहानी लखनऊ में बेस्ड है, इसमें शिप्स नहीं फिट हो सकते। एक फिल्म में नॉर्थ चेन्नई का लैंडस्केप है, दूसरे में लखनऊ का। तमिल वाली नियो नॉयर फिल्म थी तो बॉलीवुड वाले स्टाइल भरी थ्रिलर ड्रामा फिल्म लग रही है। एक्टर्स अलग है, कहानी की सेंसिबिलिटी अलग है, ऐसे में दिक्कत का स्कोप बनता तो नहीं है। केजीएफ जैसी फिल्म जिसकी कहानी खुद मुंबई में गहरी जुड़ी हुई है, उसका हिंदी रिमेक बनाने का सेंस सच में नहीं बनता। मगर विक्रम वेदा जैसी कहानियों में ये सब देखना सिर्फ जबरदस्ती का नुक्ताचीनी है। कुछ महीने पहले आई शाहिद कपूर की जर्सी इसी टाइटल की तेलुगु फिल्म की रिमेक थी। एक ही डायरेक्टर ने दोनों फिल्में बनाई, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग मिजाज के शहरों हैदराबाद और चंडीगढ़ ने एक ही कहानी को दो अलग अलग रंग दिए। यानी दोनों फिल्में अपने आप में बेहतरीन है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पहले फिल्म देख लीजिए, फिर तय कीजिए। विक्रम वेदा एक बांध के रखने वाली कहानी है। पुष्कर गायत्री अपनी ही तमिल फिल्म को हिंदी सेंसिबिलिटी और स्टाइल के साथ एक नए अंदाज में ला रहे हैं। फिल्म का स्केल भी पहले से बड़ा है। सैफ अली खान और ऋतिक रोशन दमदार एक्टर कहलाने वाले लायक है, इसीलिए इंतजार करते हैं 30 सितंबर का, जब फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। अभी से फिल्म को नेगेटिव ट्रीटमेंट क्यों देना, जबकि फिल्म का पूरा ट्रेलर अभी रिलीज होना बाकी है। तब हमें और जानने को मौका मिलेगा कि फिल्म हमारे लिए क्या लेकर आई है। वेल, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपके मन में भी ये दो सवाल थे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? बेताल का असली रोल, क्या ऋतिक और सैफ कर पाएंगे अपने रोल से जस्टिस? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। तो आप सब तो जानते ही होंगे कि ये डायलॉग कितना ज्यादा फेमस है, तू बोला और मैं चला। ये डायलॉग है विक्रम बेताल का और उसी से रिलेटेड अब एक नई कहानी को दिखाने जा रही है
ऋतिक रोशन और सैफ अली खान। आपको बता दें कि ऋतिक और सैफ बहुत जल्द विक्रम वेधा में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म साउथ की एक फिल्म का रीमेक होने वाली है और इस फिल्म में सैफ अली खान की बीवी का किरदार निभाती नजर आएंगी राधिका आप्टे। आपको बता दें कि ये फिल्म क्रिमिनल और पुलिस पर बेस्ड होने वाली और इस फिल्म में विक्रम एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे, जो बहुत ऑनेस्ट है, जो किसी से कभी रिश्वत नहीं लेता। और वहीं वेधा जो है वो एक क्रिमिनल के रूप में नजर आएंगे। ये पहली बार हो रहा है जब ऋतिक रोशन एक विलन के रूप में फिल्म में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन काफी बढ़िया एक्टर हैं और सैफ अली खान भी उतनी ही अच्छे एक्टर। तो फिल्म में बहुत अमेजिंग होगा ये देखना कि कैसी होने वाली है इन दोनों की ट्यूनिंग। और वहीं फिल्म में हमें वेधा के कैरेक्टर में ऋतिक रोशन एक बनारसी लड़के के रूप में दिखेंगे, जिनकी ड्रेसिंग सेंस भी पूरी बनारसी स्टाइल में ही होने वाली है। तो फिल्म होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ग्राउंड स्टूडियोज। दोस्तों, ऋतिक रोशन लंबे वक्त के बाद एक्शन ड्रामा फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं। अब फिल्म से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि विक्रम वेधा का टीजर जल्द ही रिलीज होने वाला है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिलायंस बुधवार को यानी कि 24 अगस्त को सुबह 11 बजे विक्रम वेधा का टीजर लॉन्च करेगी। रिपोर्ट में आगे सूत्रों के हवाले से दावा करते हुए बताया गया कि आज मीडिया स्क्रीनिंग है, लेकिन इस फिल्म का टीजर बुधवार को सुबह ही लॉन्च किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया कि 1 मिनट 46 सेकंड के इस टीजर में शानदार डायलॉग्स है, एक्शन है और थ्रिल से भरपूर है। वेल, अब 1 मिनट 46 सेकंड का टीजर है या ट्रेलर है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ट्रेलर के लिए फैंस पूरी तरह से पागल हैं और कहा जा रहा है कि ये ट्रेलर लोगों को हिला कर रख देगा, अपना दीवाना बना देगा। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म को लेकर मेकर्स काफी सजग है और पूरी प्लानिंग के साथ फिल्म को प्रमोट करेंगे और ये प्रमोशन का जोर 35 दिनों के कैंपेन के बीच होगा। अब इन 35 दिनों में फिल्म के टीजर से लेकर फिल्म के ट्रेलर तक सब कुछ इसमें शामिल होगा। यहाँ तक कि ट्रेलर लॉन्च के बाद सितंबर के पहले हफ्ते में फिल्म के सॉन्ग्स भी रिलीज किए जाएंगे और उसके बाद एंड में फिल्म रिलीज होगी 30 सितंबर को। आपको बता दें कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति द्वारा निभाए गए शातिर अपराधी की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सैफ अली खान आर माधवन द्वारा प्ले किया गया कैरेक्टर एक पुलिस अधिकारी के रोल में नजर आएंगे, जो हर बार अपराधी द्वारा सुनाई गई कहानी में फंस जाता है और उसको पकड़ने में असमर्थ रहता है। वेल, आर माधवन से याद है कि उनकी अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी रॉकेटरी दी निंबी इफेक्ट, जो बॉक्स ऑफिस पर वैसे कुछ ज्यादा सक्सेस तो नहीं हो पाई, लेकिन खबरें कि आर माधवन ने उस फिल्म को बनाने के लिए अपना सब कुछ घर बार बेच दिया है। कहा जा रहा है कि वो फिल्म के लिए बहुत डेडिकेटेड थे और जितना बजट चाहिए था उतना बजट नहीं था और इसीलिए उन्होंने अपना घर भी बेच दिया फिल्म को बनाने के लिए। हालांकि फिल्म बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी, हालांकि वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला फिल्म को लेकर जितना मिलना चाहिए। फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपए और फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 50 करोड़ के आसपास, मतलब हिट होने के लिए थोड़ी बहुत पीछे रह गई थी। अब बात करें इस फिल्म की विक्रम वेधा की, तो ये हम सभी जानते हैं कि ये फिल्म विक्रम वेधा साल 2017 में आई आर माधवन और विजय सेतुपति की तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। फिल्म को पुष्पर और गायत्री ही डायरेक्ट कर रहे हैं। वही फिल्म को प्रोड्यूस किया है वाई नॉट स्टूडियो ने। वेल, अब इंतजार है उन 35 दिनों का कैंपेन का और टीजर और ट्रेलर का। देखना होगा कि कितना बड़ा धमाल मचाते हैं ऋतिक रोशन और सैफ अली खान एक साथ आकर। वेल, आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं।
जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का काम है ना मौत का खौफ। विक्रम वेधा के लिए ऋतिक रोशन ने की कितनी फीस चार्ज? क्या रह जाएंगे आप हैरान? आखिर कब रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआर। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर विक्रम वेधा की टीजर रिलीज हो चुका है, लेकिन फिल्म की टीजर से ज्यादा ऋतिक रोशन की फीस को लेकर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक रोशन की फीस काफी ज्यादा है और हाल ही में जो अक्षय कुमार की रक्षाबंधन रिलीज हुई है उससे भी ज्यादा है, यानी कि जहाँ पूरी एक फिल्म बन गई उससे भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन से पहले विक्रम वेधा आमिर खान को ऑफर की गई थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। कहा यह भी जा रहा है कि फिल्म में टाइटल रोल के लिए अक्षय कुमार के नाम पर भी सोचा जा रहा था, लेकिन बाद में ऋतिक को फाइनल कर दिया गया और अब लगता है कि एकदम सही फैसला है, क्योंकि जिस तरह से टीजर में ऋतिक रोशन नजर आए हैं ऐसा लग रहा है कि ये रोल तो उनके लिए ही बना था। वहीं दोस्तों, आमिर ने जब इस फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया तो मेकर्स ने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया था। ऋतिक इस फिल्म के लिए पूरे 80 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। इसमें ट्विस्ट ये है कि ऋतिक ने विक्रम वेधा प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर भी साइन किया है, यानी कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बेहतर परफॉर्म करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो ऋतिक रोशन की इसमें भी साझेदारी होगी। अक्षय कुमार स्टारर रक्षाबंधन का बजट था 70 करोड़, यानी कि 10 करोड़ ज्यादा ऋतिक रोशन चार्ज कर रहे हैं। विक्रम वेधा की बात करें तो साल 2017 में इसी नाम की तमिल फिल्म आई थी जिसका हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। इसे ओरिजिनल डायरेक्टर पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने डायरेक्ट किया और अब इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। ओरिजिनल फिल्म में आर माधवन ने इंस्पेक्टर विक्रम का रोल प्ले किया, जिसे रीमेक में सैफ अली खान निभा रहे हैं। ओरिजिनल वर्जन में वेधा का रोल विजय सेतुपति ने किया था, जिसे रीमेक में ऋतिक रोशन कर रहे हैं। फिल्म में राधिका आप्टे, रोहित श्रॉफ, योगिता बिहानी और शाहरुख हाशमी भी नजर आएंगी। फिल्म 30 सितंबर 2022 को रिलीज होनी है। तो दोस्तों, कितना वेट है आपको विक्रम वेधा का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का काम है ना मौत का खौफ। क्या बॉयकॉट ट्रेंड से घबराए ऋतिक रोशन? आखिर ऋतिक रोशन को क्यों लग रहा है विक्रम वेधा की फ्लॉप होने का डर? सैफ अली खान का क्या है रिएक्शन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआर। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म स्टार ऋतिक रोशन अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा को लेकर जल्द ही ऑडियंस के सामने पहुंचने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच खासा एक्साइटमेंट है। हाल ही में सुपरस्टार ऋतिक रोशन और एक्टर सैफ अली खान मुंबई में इस फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट का हिस्सा बने, जहां बॉयकॉट ट्रेंड के निशाने पर बैठी विक्रम वेधा को लेकर ऋतिक रोशन काफी ज्यादा नर्वस दिखे। आपको बता दें, ऋतिक रोशन के साथ सैफ अली खान भी इस इवेंट में थे, लेकिन
विक्रम वेदा स्टार ऋतिक काफी ज्यादा डरे हुए लगे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने लाल सिंह चड्ढा का सपोर्ट किया, उसके बाद से ही फैंस बड़े नाराज थे और लोग ऋतिक रोशन को ट्रोल करने लगे, साथ ही कहने लगे कि विक्रम वेधा को बॉयकॉट किया जाए। आपको बता दें सुपर 30 और वॉर जैसी फिल्में थी जो कि लास्ट टाइम उन्होंने दी थी और स्क्रीन पर सुपर डुपर हिट रही थी। आपको बता दें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की विक्रम वेधा साउथ की सुपर हिट फिल्म विक्रम वेधा का रीमेक है। इसे भी पुष्कर और गायत्री की जोड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। जहां ऋतिक रोशन काफी ज्यादा डरे सहमे लगे, वहीं सैफ अली खान अपने बड़े ही कूल अंदाज में नजर आए। उन्होंने शॉर्ट पहना हुआ था, गॉगल्स पहने हुए थे और सेल्फीज और साथ ही पोज देते हुए नजर आए। फिल्मस्टार सैफ अली खान इस मौके पर काफी हैंडसम लगे। अब दोस्तों देखना होगा इस बॉयकॉट का असर क्या वाकई ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा पर पड़ता है। टीजर तो रिलीज हो चुका है जो कि जानदार है। ऋतिक रोशन ने सारी लाइमलाइट ले ली है, फिर चाहे उनके एक्शन हो, लुक्स हो, डायलॉग हो, सब कुछ A1 है। फिल्म का म्यूजिक भी बहुत ज्यादा उम्दा है। इसका म्यूजिक दिया है विशाल और शेखर ने, साथ ही पुष्कर गायत्री ने बहुत बेहतरीन तरह से इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म को आबू धाबी में शूट किया गया है, लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये जगह आबू धाबी है। इस हिसाब से सेट को डिजाइन किया गया है। अब देखना होगा ये फिल्म कितना बड़ा तहलका मचाती है। ट्रेलर एक हफ्ते बाद रिलीज होने वाला है, 30 सितंबर को फिल्म रिलीज होगी। आप कितना वेट कर रहे हैं विक्रम वेधा का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। टीजर 11 अगस्त को रिलीज, इसके साथ देखेंगे ऋतिक टीजर को। हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं पूर्णिमा और आज बात करेंगे विक्रम वेधा के बारे में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म विक्रम वेधा का फैंस भी सब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी ज्यादातर जानकारी सामने नहीं आई है और इसी वजह से फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है। 24 अगस्त को इस फिल्म का धमाकेदार टीजर दर्शकों के बीच आ रहा है, लेकिन इससे पहले अभिनेता ऋतिक रोशन अपनी इस फिल्म के टीजर को पत्रकारों के साथ देखने वाले हैं। दरअसल ऋतिक रोशन कुछ चुनिंदा पत्रकारों के साथ विक्रम वेधा का टीजर मंगलवार शाम 5 बजे मुंबई में देखेंगे। बीते दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि विक्रम वेधा का टीजर 11 अगस्त को रिलीज होगा। इसी दिन लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि टीजर को फिल्म के साथ अटैच नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए अलग से थिएटर्स को रिक्वेस्ट की गई थी। हालांकि ये सब कुछ भी नहीं हुआ। विक्रम वेधा साउथ सिनेमा में इसी नाम से बने फिल्म का रीमेक है जो 30 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। गायत्री और पुष्कर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ऋतिक के अलावा सैफ अली खान, राधिका आप्टे, रोहित सारफ और शारिब हाशमी नजर आने वाले हैं। फिल्म में धमाकेदार एक्शन होगा जिसकी झलक हमें ऋतिक रोशन के फर्स्ट लुक से देखने को मिल गई थी। विक्रम वेधा के साथ 30 सितंबर को ही सिनेमाघरों में पोनियन सेल्वन 1 भी दस्तक देने वाली है। ऐश्वर्या राय बच्चन और विक्रम स्टारर ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसे बड़े बजट के साथ तैयार किया गया है। आपको क्या लगता है 30 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म बाजी मार लेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।